यस, लेट मी चेक, ये हम लाइव हैं, एक मिनट जस्ट मुझे चेक करने दो। यस, गुड आफ्टरनून, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहाँ पे आज हम करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स का वन शॉट। तो पहले एक बार चेक हो जाए कि क्या हम लाइव हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर को। आई थिंक सो वी आर लाइव नाउ, एक मिनट। हाँ जी, लाइव तो है, बट मैं बैच जीत बैच में जहाँ पे आज कुछ प्रॉपर है, आवाज प्रॉपर है, स्क्रीन प्रॉपर है, और मैं भी आपको दिख रहा हूँ। वो एक मिनट जस्ट वेट करना, मैं इसका चार्जर ऑन कर देता हूँ। यस, सो नाउ वी शैल स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, सब कुछ लिख के लेके आया हूँ, बस समझाना है, और समझाना है तो मतलब जिम्मेदारी तो अभी भी है ना, तो इस जिम्मेदारी को निभाना भी है और आपको कंसेप्ट समझाना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बायो मॉलिक्यूल्स इज द नेम फॉर द चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप किसी कंपाउंड को अगर एनालाइज करना चाहते हो कि उसमें क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन देखना चाहते हो, कंपोजिशन स्टडी करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जब आपको एनालिसिस करनी है किसी केमिकल कंपाउंड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कंपाउंड का जिस भी टिश्यू में आपको वो एनालिसिस करनी है, जैसे मैंने कहा कि यार लिवर टिश्यू है, तो लिवर टिश्यू है ना, कोई भी लिवर का पीस ले लो, तो उसमें टिश्यू होगा, उस लिवर के पीस को आपने ले लिया, उसको अपने मोर्टार पेसल जिसमें आप मसाले कूटते हो उसमें कूट देना है। यूजिंग मोर्टार पेसल एक्सट्रैक्ट इट्स पेस्ट बाय ग्राइंडिंग इट इन ट्राइक्लोरेटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में आपको उसको डालना है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का नाम आपने सुना हुआ है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। थिक स्लरी बनानी है उसकी, आप पतली सी स्लरी बनानी, पतली मतलब सॉरी मोटी सी थिक सी स्लरी बनानी है, स्ट्रेन कर लेना है, उस स्लरी को छान लेना है, फिर चाहे आप स्ट्रेनर की मदद से यूज करो या एक चीज क्लोथ यूज कर लो या एक कॉटन क्लोथ यूज कर लो, मतलब जो मेन मेन मटेरियल है वो ऊपर रह जाए और पानी से नीचे चला जाए। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट माने जो नीचे है, फिल्ट्रेट में है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, फिल्ट्रेट में होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर एसिड सोल्यूबल, जो कि एसिड में घुल सकते हैं, वही तो नीचे चले गए। उनका साइज देखो, साइज उनका छोटा होगा, 18 से 800 डेल्टन साइज, जैसे अमाइनो एसिड हो गए, सिंपल शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड, ये सारे आपके हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि किसमें होते हैं, फिल्ट्रेट में होते हैं। एक होता है रेटेंटेट, रेटेंटेट वो पार्ट है जो कि ऊपर रह गया, रेटेंटेट वो पार्ट है जो कि ऊपर ही रह गया, माने जो छान के नीचे नहीं गया, तो इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, है ना, तो यही है, इसीलिए हमने इनको, इनके अंदर जो चीजें हैं उनको हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो माने बड़ा, इनका साइज जो है वो 10,000 डेल्टन से ज्यादा होगा, और क्योंकि ये घुले नहीं, घुल जाते तो नीचे चले जाते, क्योंकि ये घुले नहीं इसीलिए इसको कहा एसिड इनसॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स शुगर्स, प्रोटीन्स, जो भी पॉलीमराइज होकर बनती है ना चीजें, जिनमें बड़ी सारी यूनिट्स जुड़ी हुई, जैसे प्रोटीन में बड़े सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो अमीनो एसिड क्या था, माइक्रो, प्रोटीन क्या है, माइक्रो। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड की चेन्स, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या था, माइक्रो था, ये आपके माइक्रो है। लिपिड्स, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अच्छा, लिपिड्स के बारे में एक चीज याद रखनी है, लिपिड्स अगर मैं एक सिंगल लिपिड देखूंगा तो वो इतना ज्यादा वो मतलब वो माइक्रो माइक्रो की कैटेगरी में आएगा, है ना। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स एज देयर इंडिविजुअल वेट, इंडिविजुअल वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट इज लेस देन 800 डेल्टन, बट जब हमने वो क्रश किया होगा तो क्रश करते वक्त लिपिड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, बट वेन पेस्ट इज मेड वो एग्रीगेट बना लेंगे, एक जत्था सा बना लेंगे, और उस जत्थे का मास जो है वो 800 से ज्यादा होता है, साथ साथ में मिटाते जाएंगे ताकि नोट्स थोड़े से आपको साफ सुथरे भी लगे। सिंपल, मेरे ख्याल से ये कहानी जो मैंने आपको बताई है ये क्लियर होगी, ये तो सिंपल सी बात है ना जो मैंने आपको अभी तक बताई है, अभी तो कुछ खास आया नहीं ना रट्टा मारने वाला भी, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आ गई कि आपको कैसे कैसे किसी टिश्यू को एनालाइज करना है, उसमें रेटेंटेट में क्या होगा, फिल्ट्रेट में क्या होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एग्जांपल्स आपको सबके पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, मतलब सिंपल इतनी चीज याद रखो, माइक्रो में कोई सिंगल यूनिट है, और अमाइनो एसिड जब बड़े सारे चेन बना लेंगे तो बनेंगे क्या, प्रोटीन, प्रोटीन आपके कहां पे है, आगे है माइक्रो में, ठीक है। अब देखो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी एक टेस्ट होता है जो कि आपको यूज करना है उनके लिए, उनकी एनालिसिस के लिए, तो उनकी एनालिसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज होगा, उसको हमने कहा है एश टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या रख दिया, एश टेस्ट, क्यों, हमने क्या किया, सेल लिया,
उसका वजन निकाला। जो ये वजन है ये मॉइस्ट वजन है, बिकॉज हमने सेल को ड्राई थोड़ी किया, सेल को सुखाया थोड़ी है, सेल तो वैसे ही है, तो इसको बोलेंगे वेट वेट, दिस इज नोन एज वेट वेट। फिर हमने क्या किया, इसको हीट किया, हीट कर दिया, दोबारा हीट करने से क्या होगा, मॉइस्चर उड़ गया होगा, मॉइस्चर उड़ गया तो अब इसको मैंने बोला ड्राई वेट, अब इसको मैंने बोला ड्राई वेट, अब उसको और जलाया, और जलाने से मुझे इनऑर्गेनिक ऐश मिलेगी, और उस इनऑर्गेनिक ऐश में हम इनऑर्गेनिक टेस्ट कर सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में, और उन टेस्ट से आपको बाकी चीजें पता चल जाएंगी। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड नाम में है अमीन और एसिड, तो इसीलिए जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जनरल स्ट्रक्चर में एक अमीन ग्रुप भी है, यानी जनरल स्ट्रक्चर जैसे ये सी है, जनरल स्ट्रक्चर में एक अमीन ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है, तो ये मैंने लगा दिया अमीनो ग्रुप, ये मैंने लगा दिया एसिड ग्रुप, और इसके साथ एक लगा होगा कोई ना कोई आर ग्रुप, एक लगा है एच ग्रुप। अच्छा, ये आर ग्रुप जो है जरूरी नहीं आर ग्रुप ही होगा, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है। अब एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड कैसा है, अगर एक्स बेसिक है तो अमीनो एसिड बेसिक है, अगर एक्स एसिडिक है तो अमीनो एसिड एसिडिक है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कहानी क्लियर है, तो यही मैंने आपको यहां पे लिख के लेके भी आया हूं। देखो जनरल फॉर्म सी, उसके साथ एन एच टू एच है, और यहाँ पे आर ओ ओ एच है। अब आर की जगह क्या आएगा, यानी कि एक्स की जगह क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे अगर आर की जगह आया सिंपल, अरे एक मिनट, चलो ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है बिकॉज एसिड है, NH2 प्रेजेंट है बिकॉज अमीनो है, प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, हेंस कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन आपको पता होगा, जैसे ये है ग्रुप, इसके अगला कार्बन है अल्फा कार्बन, दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको हमने कहा कि इसीलिए इसको कहा अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, अब मैंने कहा कि जो आर ग्रुप था ना, वो आर ग्रुप डिसाइड करेगा कि अमीनो एसिड कैसा है, आर ग्रुप डिसाइड्स द नेचर ऑफ अमीनो एसिड, बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर इन प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 चाहिए हैं, मतलब 20 ही अमीनो एसिड आपको नेचर में देखने को मिले हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपने क्लास 12th में डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ना है, नाम वगैरह थोड़े बहुत एक आधे के कुछ कुछ के नाम आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में जो आर ग्रुप होगा उसमें एसिड ग्रुप जरूर होगा, आर में एक एसिड होगा और साथ में कुछ ना कुछ और भी हो सकता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन वाला एसिड है, ऐसे याद रख लो, ग्लूटामिक एसिड में पांच कार्बन होंगे और बस आपको एक कार्बन तो सेंटर में लगाना है, बाकी CH22 और COOH, मतलब ग्लूटामिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखना, ग्लूटामिक एसिड की बात हो रही है तो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बन, पांच कार्बन, तो कार्बन था एक तो सेंटर में, इसके साथ यहाँ पे एक COOH, इसके साथ एक H लगा है, एक लगा है NH2, बाकी CH2, CH2 और COOH, देखो कितने कार्बन, पांच कार्बन लग गए क्या, ये मेरे ख्याल से आपको ग्लूटामिक एसिड क्लियर है, ग्लूटामिक एसिड आपको क्लियर है। आगे चलिए, तो ये ग्लूटामिक एसिड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सिर्फ स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, बाकी सब तो आपको समझ आता ही जाएगा कि ये एसिडिक क्यों है, ये बेसिक क्यों है, वो आपको मैं करवा दूंगा, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बस, ग्लूटामिक एसिड। फिर है एक एस्पार्टिक एसिड है, तो ये भी एसिड ही, ग्लूटामिक एसिड में दो कार्बन थे, यहाँ पे एक कार्बन कम है, इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन है तो कैसे लगेगा, पहला इसके साथ एक कार्बन तो ये वाला लगना है, एक कार्बन ये लगेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एच, अब यहाँ पे जो है दो कार्बन लगाने पड़ेंगे ताकि चार हो जाए टोटल में, तो ये लग गए दो कार्बन, बिकॉज एसिडिक है तो एक कार्बन में तो ये भी होगा ना, एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें डालना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर है एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर, आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसमें आर ग्रुप में हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, आर ग्रुप में OH प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे सीरीन, सीरीन में तीन कार्बन है, सीरीन में तीन कार्बन है और एक OH है, तो देखो हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड आ गया ये। लाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड में आएगा, लाइसिन इज बेसिक, लाइसिन आर्जिनिन दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स, और इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, जो आर ग्रुप है क्योंकि वो बेसिक है तो उसमें NH2 प्रेजेंट होगा, बिकॉज आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा
प्लस ट्वेल्थ में अमाइंस में पढ़ा होगा कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो जो आर ग्रुप है उसमें अमाइन प्रेजेंट होगा। तो इसको चेक करो, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन वाला है लाइजीन, 6 कार्बन वाला है लाइसीन, और बाकी तो सेम है बिकॉज सब कुछ स्ट्रेट चेन में ही लगाया जा रहा है। 6 कार्बन वाला लाइसीन, कार्बन याद रख लो, स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे फिर, ठीक है। अगला, न्यूट्रल अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, जिसमें जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप या तो आर हो या कोई ना कोई और ग्रुप जिससे कोई भी इफेक्ट ना आ रहा हो, मतलब हाइड्रोक्सिल ना हो, है ना, एसिडिक ना हो या बेसिक ना हो। जैसे ये देखो, NH2 था, COOH था, H था, और जो चौथा ग्रुप लगा है वो भी H लग गया, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो मेरे ख्याल से ये नाम आपको याद ही होना चाहिए, ये ग्लाइसिन तो है, ग्लाइसिन बड़ा इंपॉर्टेंट वाला नाम है बिकॉज इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ग्लाइसिन से, तो ये आप नाम याद रखना। और इसमें इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कार्बन का नंबर याद रखो बाकी आपको याद रह जाएगा। एलानीन वेलीन, एलानीन वेलीन, वेलीन में देखो, अच्छा एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, एलानीन में क्या है, आर ग्रुप CH3 है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आपके कई बार पेपर में आए हुए हैं। वेलीन की अगर मैंने बात करी तो कुछ नहीं है, इस CH3 के साथ आगे एक और CH3 लगा दो, एक यहां पे लगा दो, बस ये बन गया वेलीन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एलानीन और वेलीन आपको क्लियर होना चाहिए। वेलीन वो है, ग्लूटामिक एसिड से वेलीन बन जाता था, किसमें किसमें बनता था, सिकल सेल एनीमिया में, तो ये सिकल सेल एनीमिया में ये बनेगा, बोलेंगे क्वेश्चन दे देंगे सिकल सेल एनीमिया में जो बनता है अमीनो एसिड चेंज होके उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो ये है उसका स्ट्रक्चर, ये है उसका स्ट्रक्चर, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हो बट स्टिल मैंने लिखवा दिए बिकॉज एनसीईआरटी में उनका आर ग्रुप बताया है, एनसीईआरटी में उनका आर ग्रुप बता रखा है। आगे एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक में क्या होगा, जो आर ग्रुप है ना वो एराइल ग्रुप होगा, मतलब उसके साथ कोई ना कोई बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, जैसे टायरोजीन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं है बट स्टिल देख लो एक बार, इस प्रकार से है, कितने कार्बन, 1, 2, 3 और 6 इसमें है, तो 6 और 3, 9 कार्बन, 1, 2, 3 और 6 इसमें, इसमें भी 9 कार्बन है, इसमें भी 9 ही कार्बन है, बस डिफरेंस किस चीज का है, OH का, कि वो फिनॉल है और यहां पे फिनॉल नहीं है, यहां पे सिर्फ बेंजीन है, देखो डिफरेंस सिर्फ यहां पे है इस पोजीशन में। तो फिनाइल, फिनाइल क्या होता था, फिनाइल, फिनाइल ग्रुप ये वाला ग्रुप होता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल ग्रुप जहां पे है वो फिनाइल एलानिन है। टायरोजीन में क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो फिनॉल फिनाइल मैंने आपको क्लियर करवा दिया होगा। एक और दिया हुआ है ट्रिप्टोफैन, सिर्फ नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख लो एक बार ऊपर ऊपर से, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आया हूं बिकॉज इसमें भी एरोमेटिसिटी देखने को मिल रही है, ये दिखाने के लिए लेके आया था, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिनमें रिंग तो है, रिंग तो है, बट रिंग होने के साथ साथ उस रिंग में कोई ना कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है अदर देन कार्बन, ठीक है। तो जैसे ये अभी अपने पीछे एक पड़ा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में देखो नाइट्रोजन है रिंग में, रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई ट्रिप्टोफैन इज हेट्रोसाइक्लिक। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज अ बेसिक, ये बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड है, ये बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। अरे हिस्टिडीन तो ये रहा, ओके, तो हिस्टिडीन एक बेसिक अमीनो एसिड है, स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे नजर मार लो एक बार कैसी कैसा स्ट्रक्चर है, आने की चांसेस बड़े कम है, जो आने थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। स्विटर आयन फॉर्म, एक बार हम अमीनो एसिड को खत्म करें, पेप्टाइड लिंकेज, हाँ फिर लिपिड स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको अमीनो एसिड एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, तो पहले हम एक बार जस्ट इसको खत्म करें। अमीनो एसिड्स तो आपको एरोमेटिक तो करवा दिए गए, हेट्रोसाइक्लिक भी बता दिए, ज्विटर आयन, हाँ ज्विटर आयन फॉर्म कौन सी फॉर्म है, ज्विटर आयन फॉर्म वो है जिसमें पूरा मॉलिक्यूल चार्ज्ड नहीं होना चाहिए, जो उसके एक पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं, कुछ एटम्स हैं, उन पे चार्ज हो, जैसे देखो C था, H था, R था, COOH था और NH2 था, तो ये चार्ज कब होगा, मान लो इसने अपना ये COOH से COO नेगेटिव बना लिया, अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, किसको डोनेट किया, यहाँ पे आ गया, तो देखो ये है ज्विटर आयन फॉर्म जिसमें इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बट नेट स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेट स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने कहा ज्विटर आयन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन फॉर्म। तो देखते हैं ज्विटर आयन फॉर्म कहां गई, ये रही, ठीक है। इन सिचु इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अलग अलग पीएच में, तो पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि NH3 पॉजिटिव तो है बट यहां से OH नहीं गया, तो यहां से H पॉजिटिव नहीं गया है, दूसरा ये जहां पे यहां का H पॉजिटिव यहां चला गया
और तीसरा यहाँ ने तो एन पॉजिटिव एच पॉजिटिव डोनेट कर दिया बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, वो कहीं और चला गया। तो ये तीन तरह के आयन जो है वो पॉसिबल है, जिनमें से आपको कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है ज्विटर आयन वाला, ज्विटर आयन फॉर्म आपको याद रखनी है। बी इज द ज्विटर आयन फॉर्म, और ये ज्विटर आयन फॉर्म किसमें कौन से पीएच में बनेगी वो अलग अलग अमीनो एसिड पे डिपेंड करेगा, डिपेंड एट डिफरेंट अमीनो एसिड पे अलग अलग पीएच पे बनेगी, ठीक है। अब आते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइडल लिंकेज पे आते हैं, पेप्टाइडल लिंकेज पे आते हैं। देखो मैंने कहा कि यार एक अमीनो एसिड है यहां पे आर एच कार्बन है, हाइड्रोजन है, आर ग्रुप है, एनएच टू है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, इसी के साथ एक और मैंने इसी प्रकार के लगा दिया, इसी प्रकार का एक और ग्रुप इसके पास मैंने लगा दिया, प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा, थोड़ा मोटा है ना पेन मेरे ख्याल से, आप ले लो। इसी की तरह का एक और स्ट्रक्चर मैंने, एक और अमाइनो एसिड मैंने इसके पास मैंने लगा दिया, तो देखो कैसे लगाया है, ये मैंने लगा दिया इसके आसपास, ठीक है। अब देखना कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होगी ना तो वो H2O के रिलीज से होगी, तो यहां से OH गया और यहां से एक H चला गया, ये क्या बना, ये हट गया, अब ये हट गया, अब इसको मैंने उड़ा दिया, ये रिमूव हो गया एज वाटर और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब ये जो बॉन्ड है इसको मैंने कहा पेप्टाइडल बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइडल बॉन्ड, यही है पेप्टाइडल बॉन्ड। तो देखो पेप्टाइडल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, अंत तक आते आते आपके दिमाग में इस पूरे चैप्टर का एक रायता बन चुका होगा जिसको समेटना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट समझ के करेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। देखो ये रही पेप्टाइडल बॉन्ड, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी बॉडी में कौन से प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स, कौन से प्रेजेंट नहीं है, कौन सी हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, कौन से बना नहीं सकती। जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है उनकी हमें आवश्यकता थोड़ी कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी खुद से बना सकती है तो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको हमने क्लासिफाई किया है नॉन एसेंशियल में। तो नॉन एसेंशियल वो है जो कि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे इनके अलावा जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल वो जो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है, मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जैसे जैसे फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनिलीन याद रखो, फिनाइल एनिलीन कैसा था स्ट्रक्चर, अब आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फिनाइल और एलानीन, एलानीन में क्या होता था, एलानीन में CH3 लगता था, अब इसके साथ बस एक फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये रहा फिनाइल एलानीन, और बाकी तो आपको पता ही है ऊपर क्या आना है, ऊपर जो जनरल स्ट्रक्चर था वही आप ऊपर लगा देंगे, चिपका देंगे। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर मैंने कहा था याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। लाइसिन, लाइसिन में क्या था यार, लाइसिन में क्या था, एक मिनट मैं खुद ही भूल गया, लाइसिन मेरे ख्याल से लाइसिन वॉज बेसिक, ये रहा बेसिक में, ठीक है, इसमें 6 कार्बन थे और बाकी सब स्ट्रेट चेन में लगा है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में और बेसिक है तो NH2 भी लगेगा। आगे कहां गया, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताए हैं, वेलिन और थ्रोमीन, वेलिन का स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हो, वेलिन का स्ट्रक्चर में लेके आया था, ये रहा वेलिन, वेलिन कैसे बना था, एलेनिन में आपने साइड पे CH3 CH3 दो जगह लगा दिए, उससे वेलिन बन जाता था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये एसेंशियल वाले के एग्जांपल क्लियर होंगे। सेमी एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बन तो रहे हैं बट थोड़े कम अमाउंट में बन रहे हैं, स्लोली बन रहे हैं, है ना, इनको बोलेंगे सेमी एसेंशियल, जैसे हिस्टिडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया। हिस्टिडीन कैसा था, हिस्टिडीन कैसा था, बेसिक था। ये स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल याद रखने हैं, हिस्टिडीन कैसा था, बेसिक था, क्लासिफिकेशन याद रखनी है आपको मेनली। ये देखो हिस्टिडीन, अरे ये थोड़ी है हिस्टिडीन, ये रहा बेसिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है। आगे लिपिड्स स्टार्ट करते हैं, लिपिड्स से पहले मैंने आपको पहले कहा, लिपिड्स स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको अमाइनो एसिड्स दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। विद दिस हमारा अमाइनो एसिड्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है, कितनी देर में, लगभग हमने 20 मिनट में अमाइनो एसिड्स को कंप्लीट भी कर लिया। तो अब हम इस चैप्टर का जहां तक हमने पढ़ा है 20 मिनट में उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सबसे पहले हमने कहा कि यार किसी भी चीज को अगर हमें एनालाइज करना है किसी टिश्यू को तो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, टिश्यू निकालो, उसका टिश्यू निकालो, जैसे लीवर सेल है, लीवर टिश्यू है, वो मैंने निकाल लिया, उसको मोटार वेसल में क्या करो, कूट लो, और किसकी प्रेजेंस में कूटोगे, CCl3COOH यानी कि कार्बन, सॉरी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको पीस लो, उसकी थिक स्लरी बना लो, उस स्लरी को आप चीज़ फ्लो से पास करो, जो आपका फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में होंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, रिटेंटेट में होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जिनका साइज है लेस देन 800,
लेस देन 800 और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनका साइज मोर देन 10,000 डाल्टन है। सिमिलरली एग्जांपल्स जो सिंगल यूनिट है जैसे अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये जो हमने अभी सारे पढ़े ना अमीनो एसिड, ये सारे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। बट अगर इनके ग्रुप बन गए, अमीनो एसिड का ग्रुप यानी कि अगर प्रोटीन बन गया तो वो कैसा होगा, तो वो रेटेंटेट होगा। रेटेंटेट में होगा मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब उसका साइज 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स शुगर, जो शुगर सिंपल ना हो कॉम्प्लेक्स हो, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हमने बोला डीएनए आरएनए चेन को बोला। लिपिड्स, लिपिड्स मैंने कहा कि लिपिड्स अगर हम पर्टिकुलरली एक लिपिड को देखेंगे ना तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल जो है उसका साइज 800 से कम होता है, बट जब हमने इसको क्रश किया तो लिपिड ने एक एग्रीगेट बना लिया, उस एग्रीगेट का साइज 10,000 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको कहा कि लिपिड नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी सेल है उसको लिया, उसका वेट किया, उस वेट को हमने कहा मॉइस्ट वेट, बिकॉज वेट वेट बिकॉज उसके अंदर हमने उसको हीट नहीं किया, उसके अंदर पानी अभी भी प्रेजेंट होगा थोड़ा बहुत, है ना। फिर हमने उसको हीट कर दिया, आफ्टर हीटिंग उसका पानी उड़ गया, अब हमने उसका वेट किया, उसको हमने कहा ड्राई वेट, दिस इज नोन एज ड्राई वेट। फिर मैंने उसको जला दिया, उसकी ऐश बना दी, और उस ऐश को मैं कैसे कर सकता हूँ, उस ऐश को मैं केमिकल टेस्ट के लिए भेज सकता हूँ, केमिकल टेस्टिंग जो भी आपने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ी होगी क्लास 11 उसमें सॉल्ट एनालिसिस में केमिस्ट्री में जो भी आपने पढ़ी होगी। आगे अमाइनो एसिड्स के बारे में फिर हमने स्टार्ट किया, ये अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब मेन चीज जो है आर ग्रुप पे डिपेंड करेगी, आर ग्रुप अगर एच है तो वो है, तो वो है ग्लाइसिन, अगर आर ग्रुप आपके पास CH3 है तो वो है एलानिन, अगर आपके पास आर ग्रुप CH3 है तो वो है वेलिन। ये वाले मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे, तीन एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंटली ये तीन आपको याद रखने हैं। फिर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, और क्योंकि ये एसिडिक है तो 6 कार्बन थे, तो आप कैसे बना लोगे, एच आर ग्रुप की जगह अभी आप छोड़ दो NH2, कितने कार्बन आपने बना दिए, 2 कार्बन आपने पहले से बना दिए हैं, 6 बनाने हैं, उन जो बचे कितने, 4 को आप ऐसे चेन में लगा दो, CH2 को चेन में लगा दिया, और इसके साथ एक आपको OH लगाना पड़ेगा, COOH लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें 5 थे, सॉरी 5 थे ना, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास फॉर ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में क्या था, एस्पार्टिक एसिड में आपके पास सिर्फ 4 कार्बन थे, तो बस इसको याद रखो, आपको आके फॉर्मूला आपका स्ट्रक्चर जो याद है, ठीक है, बिकॉज 4 कार्बन बनाने हैं तो COOH यहाँ पे आएगा, यहाँ पे NH2, 2 आपने पहले से बना दिए तो यहाँ पे CH2 आएगा और COOH, बिकॉज ये एसिडिक भी तो है तो एक COOH लगाना आवश्यक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़े हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड जैसे सेरीन वाज हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, तो सेरीन का स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था, सेरीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, देखो कार्बन का नंबर एक कम हो रहा है, तो पहले आपने ग्लूटामिक एसिड पढ़ा उसमें 5 कार्बन, फिर आपने पढ़ा एस्पार्टिक एसिड उसमें 4 कार्बन, फिर आपने पढ़ा सेरीन उसमें 3 कार्बन, अगला है आपके पास 6 कार्बन वाला लाइजीन, लाइजीन बेसिक होता है 6 कार्बन वाला है, फिर आपने पढ़ा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में सिंपल एच है और इनमें कोई आपके पास ये न्यूट्रल है, दे आर न्यूट्रल, फिर आपने पढ़ा एनालिन, एनालिन में सिंपल CH3 और इसमें CH3 तीन जगह लगाए हैं, एक ऊपर एक। एरोमेटिक में आपने पढ़ा टायरोजीन, फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोजीन, फिनाइल एनालिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोजीन में ऐसा था, ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आपके पास यहाँ पे फिनॉल है और ऊपर आपके पास कौन सा है, ऊपर आपके पास जो ही आपने एनालिन पढ़ा वही है, उसके साथ आपने फिनॉल लगा दिया। फिनाइल एनालिन, एनालिन तो वैसे ही है, उसके साथ आपने फिनाइल ग्रुप लगाया है, इसको हमने कहा फिनाइल एनालिन। ट्रिप्टोफैन स्ट्रक्चर इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, बस इतना याद रखो ये हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। हिस्टिडीन बेसिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ट्रिप्टोफैन एसिडिक एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। नेक्स्ट ज्विटर आयन फॉर्म, ये फॉर्म है ज्विटर आयन फॉर्म जिसमें इस कंपाउंड पे दो जगह पे चार्जेस हैं और वो दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है बट इनके जो कंपोनेंट्स हैं उन पे कुछ ना कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट ये तो मैंने बता दिया, और ये अलग अलग अमीनो एसिड पे अलग अलग पीएच पे मिलेगी। फिर हमने पढ़ा पेप्टाइडल बॉन्ड, पेप्टाइडल लिंकेज मैंने आपको क्लियर करवा दिया था जो कि वाटर लॉस से बनेगी। फिर हमने पढ़ा कौन सा एसेंशियल कौन सा नॉन एसेंशियल, हिस्टिडीन आर्जिनिन नॉन सेमी एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल अगर आपको दो ऑप्शंस दिए हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल तो आप इसको एसेंशियल में डालना, अगर इनके अलावा इन सब के अलावा कोई और आ रहा है तो वो क्या है नॉन एसेंशियल है, बाकी आर्जिनिन सॉरी फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, थ्रोमीन, ये सारे आपके हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट चलते हैं लिपिड्स की तरफ, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लिपिड्स।
लिपिड से पहले मेरे ख्याल से हमें प्रोटीन कर लेना चाहिए ना, बिकॉज अमीनो एसिड की चेन से ही प्रोटीन बनेगा। तो पहले मैं प्रोटीन करवा देता हूँ, प्रोटीन्स देख लो पहले। ये रहे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनी दो अमीनो एसिड्स के बीच में, वैसे ही कई सारी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगी, तो इसलिए हमने कहा पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये लीनियर चेन हो सकती है ऑफ, क्योंकि ये पेप्टाइडल बॉन्ड से लिंक्ड अमीनो एसिड की चेन है। मोस्टली हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस, ज्यादातर हॉर्मोन्स प्रोटीनेशियस हैं। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो भी यूज होती है चीजें, वो भी ज्यादातर प्रोटीनेशियस ही होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स, ये सब आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। रिसेप्टर्स भी प्रोटीन वगैरह बाइंडिंग होती है, प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर्स भी होते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब देखो ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। कोलाजन, कोलाजन है आपके पास इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ऐसे याद रखना पड़ेगा, ये टेबल तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो कोलाजन में इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, नॉट इन बायोस्फेयर, इट इज इन एनिमल वर्ल्ड। बायोस्फेयर की बात कर रहा हूं तो वो रुबिस्को है, रुबिस्को माने रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये आप पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, अभी नहीं, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एक्ट करेगी, रिसेप्टर की तरह एक्ट कब कर सकती है, जैसे कोई भी रिसेप्टर है ना, सेंसरी रिसेप्टर, जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ये सारे रिसेप्टर्स। और GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इस टेबल से आपको 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है। सिमिलरली इस टेबल से भी आपको 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको याद करना है। हाइड्रोजन वगैरह सबकी आपको कंसेंट्रेशन याद रख लेनी है, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, लिविंग टिश्यू में आपको कौन कौन से जो है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट देखने को मिलते हैं। सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, और NaCl, CaCO3, PO3, PO4-3- एंड SO4-2-। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, कि एक सेल में कितना कुछ क्या क्या पड़ा है। वाटर सबसे ज्यादा 70 से 90%, प्रोटीन उससे कम, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, आयंस सबसे कम है, उसके बाद लिपिड्स हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट से थोड़े ज्यादा है, फिर प्रोटीन्स, एंड देन कम्स द वाटर। अब हम आ रहे हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में क्या है? प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की चेन है, इसके आपको 4 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स वो हैं जो कि स्ट्रेट चेन में है, जो कि स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, गिव्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की पोजिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो मैंने कहा कि यार ये पहला प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये तीसरा प्रोटीन है, इन्होंने आपस में चेन बनाई, तो पहले प्रोटीन ने चेन किससे बनाई होगी? इसका कार्बन आया होगा, इसका नाइट्रोजन आया होगा ना, बिकॉज अमीनो एसिड में एक तरह से नाइट्रोजन आ रहा था, एक तरह से कार्बन आ रहा था। तो पेप्टाइडल बॉन्ड में आपने देखा होगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये थी पेप्टाइडल बॉन्ड, तो एक जगह कार्बन है, एक जगह नाइट्रोजन है, तो वैसे इसमें पोल्स बन जाएंगे। एक जगह का कार्बन फ्री होगा, उसको मैंने कहा सी एंड, एक जगह का नाइट्रोजन फ्री होगा, उसको मैंने कहा एन एंड। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये सी और एन एंड दिखाने आवश्यक हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कार्बन है और कहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये देखो एक एन एंड होगा, एक सी एंड होगा। सेकेंडरी प्रोटीन्स, अच्छा प्राइमरी प्रोटीन्स का फंक्शन मैंने बता दिया ना, कि ये किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन, किस चीज की देंगे, पोजिशन की इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक है अल्फा हेलिक्स, एक है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार से, उसने हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, प्रोटीन्स ने, चेन ने हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ऑल्सो देयर, और ये केराटिन में देखने को मिलता है। केराटिन आपको याद रखना है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद रखनी है, कि ये जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने स्टेबल किया, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ही तो ये बन पा रहा है, अदरवाइज कैसे बन पाता। और ये केराटिन में आपको प्रेजेंट मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जांपल है। बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड ऐसे आपस में प्लेट्स बना लेंगे, ये प्लेट, ये प्लेट बना ली इन्होंने, और कैसे जुड़े हैं प्लेट्स, प्लेट्स जुड़ी है यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल फाइब्रोनिन, इसके एग्जांपल में आप लिखोगे फाइब्रोनिन, तो फाइब्रोनिन किसका एग्जांपल, बीटा प्लेटेड का एग्जांपल। केराटिन किसका एग्जांपल है, केराटिन इज एग्जांपल नॉट फॉर बीटा प्लेटेड बट फॉर अल्फा हीलिक्स। फिर आएंगे टर्शरी, टर्शरी 3D स्ट्रक्चर होगा, और इसमें फोल्डेड चेन है, फोल्डेड चेन इस प्रकार से फोल्ड होके 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 गुच्छा सा बना लेगी, इस प्रकार से ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। वूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, वूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। मोस्टली प्रोटीन्स आर फंक्शनल, इसमें सारे प्रोटीन्स फंक्शनल होते हैं ज्यादातर।
फोल्डिंग से, फोल्डिंग से रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, क्या? अच्छा ये फोल्डिंग से बनता है ऐसा लिखा होगा ये, है ना, बिकॉज बार बार फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग से ही तो बन रहा है। अच्छा ठीक है, एक्टिव साइट है ना, ठीक है, ये जो फोल्डिंग है इसके कारण यहाँ पे एक एक्टिव साइट बन जाती है, जहां पे कोई ना कोई प्रोटीन या कुछ जो भी चीज है वो बाइंड करना चाहे कर सकती है। इसमें मैक्सिमम इंटर क्या लिखा, ये इंट्रा क्या लिख दिया ये मैंने, मैक्सिमम इंट्राक्रॉन सीन हेयर। अच्छा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन इंट्राक्रॉन पढ़ रहा हूं इसको मैं, इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन वंडरवॉल, कोवलेंट, आयनिक, ये सारी इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगी। सल्फर वाली इंट्रैक्शन नहीं होती इसमें, याद रखना डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है इनमें। इसके एग्जांपल मायोग्लोबिन एंजाइम्स, मायोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, या अगर मैं आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। एंजाइम्स में भी आपको यही देखने को मिलता है, तो मैंने कहा ना बिकॉज इसमें एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में कोई भी चीज बाइंड कर सकती है। एक्टिव साइट आपने पढ़ा था मायोग्लोबिन में भी होता है, मायोसिन में, है ना, तो वही एक्टिव साइट वहां पे प्रेजेंट है, तो इसमें भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि मायोसिन एक मायोग्लोबिन है जो कि जिसपे एक्टिव साइट प्रेजेंट है, तो इसी तरह से इन पे भी एक्टिव साइट प्रेजेंट है। तो एक्टिन एक एक एग्जांपल हो गया, मायोग्लोबिन एक एक एग्जांपल हो गया। एंजाइम्स में भी, एंजाइम में भी एक्टिव साइट होती है ना, जहां पे वो बाइंड कर सके कोई सबस्टेटम से, तो इसीलिए एंजाइम भी टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही बनते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कैसे देखो, यह आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट चेन में है, फिर आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और देखो ऐसे ऐसे बॉल सा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें प्राइमरी भी प्रेजेंट है सेकेंडरी भी प्रेजेंट है। फिर है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स, मतलब कैसा, ऐसा यह है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इस प्रकार का, इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़े होंगे। मैनर ऑफ अरेंजमेंट इसका लीनर स्ट्रिंग ऑन स्फीयर हो सकता है, या बोल सकते हो यार लीनर दिख रहा है स्ट्रिंग ऑन स्फीयर, देखो ये क्या दिख रहा है, एक स्ट्रिंग दिख रही है और उसके ऊपर स्फीयर से लगे हुए दिख रहे हैं, इसलिए हमने कहा लीनियर स्ट्रिंग ऑन स्फीयर, स्फीयर अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब और अ प्लेट, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन में, अच्छा यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया है कि एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की दो चेन, चार चेन्स हैं, जिसको हमने कहा अल्फा चेन दो हैं, बीटा चेन भी दो हैं। बस प्रोटीन्स में मेरे ख्याल से आपको इतना ही बताया गया है एनसीईआरटी में। अब हम और ऊपर चलते हैं, लिपिड्स की तरफ चलते हैं, अब हम लिपिड्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज आ गया। लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। यार लिपिड मैंने, आप जो भी आप फैट चीज खा रहे हो, कोई भी फैटी चीज खा रहे हो जैसे ऑयल, तो ऑयल को क्या आप पानी में घोल दोगे, नहीं घोल पाओगे बिकॉज वो वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए मैंने क्या लिखवाया, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। दे आर नोन एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, स्ट्रक्चर से और ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रक्चर से और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले जो लिपिड्स हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल लिपिड्स जिसमें आपके दो कैटेगरीज हैं, ट्रू फैट्स या कहें तो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, उसको हमने कहा ट्रू फैट, और वैक्सेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वैक्स हो सकता है जिसे आपने वैक्स के भी एग्जाम्पल पढ़ने हैं और ट्रू फैट के भी एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ट्रू फैट कैसे बनते हैं, ग्लिसरॉल में आपने फैटी एसिड लगा दिया, ग्लिसरॉल में फैटी एसिड लगा दो वो ट्रू फैट बन जाएगा। बोले ग्लिसरॉल क्या है, आगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा, पहले फैटी एसिड के बारे में सुनो। फैटी एसिड क्या हुआ, ये फैटी एसिड है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जो कि एक आर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा, एक आर ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आर सी ओ ओ एच। अभी आर ग्रुप जो है 1 से 19 कार्बन तक हो सकता है, 1 से 19 कार्बन तक ही आर ग्रुप हो सकता है। देखो अगर आर ग्रुप में 1 से 19 कार्बन है तो पूरे अमीनो एसिड में कितने कार्बन होंगे, एक तो ये रहा, तो पूरे अमीनो एसिड में 2 से 20 कार्बन आपके पास हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो कहानी मैंने बताई वो क्लियर है। दे कैन बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये तो आपको पता है ना, इनमें डबल बॉन्ड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है प्रेजेंट। नंबर ऑफ कार्बन आर काउंटेड इंक्लूडिंग द COOH ग्रुप, तो ये तो आपको पता ही है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एग्जाम्पल याद रखना सिंपल, पामिटिक एसिड 16 कार्बन वाला ये है इसका स्ट्रक्चर, स्टियरिक एसिड 18 कार्बन वाला ये है इसका स्ट्रक्चर। देखो 18 कार्बन लगा दो स्ट्रेट चेन में, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है। आपका पाम देखो, पाम पे 16 ही होते हैं ना, 16 डब्बे डब्बे डब्बे, एक आप इस इसको मान लो बड़ा डब्बा, तो 16 डब्बे हो गए, तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है, और ये कैसा है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है माने सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है हर कुछ,
हर चीज सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्टियारिक एसिड, स्टियारिक एसिड में इससे दो ऐड कर दो, पामिटिक एसिड प्लस टू, उसको हमने कहा स्टियारिक एसिड। ठीक है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में आपको नाम थोड़े से अजीब से लगेंगे, सिमिलर से लगेंगे, तो इनको ध्यान से देखना है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, देखो ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, ठीक है, 18 कार्बन है तीनों में, बस डिफरेंस किस चीज का है, डबल बॉन्ड, कितनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन। और एराकिडोनिक एसिड में आपको ये बताया नहीं कितनी डबल बॉन्ड, तो आप ऐसे लिखेंगे कि इसमें 20 कार्बन होते हैं, ठीक है, एराकिडोनिक में 20 है, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक, इन तीनों में आपके पास 18 कार्बन है, और जैसे जैसे आपके नाम में वर्ड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी डबल बॉन्ड्स की नंबर भी बढ़ता जा रहा है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखो, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये रहा, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, मेरे ख्याल से ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्लियर है। अब मैंने कहा इसके साथ कोई ना कोई फैटी एसिड जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ोगे, देखो मैंने पहले ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल सी एच सी एच सी एच, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ कोई फैटी एसिड जोड़ना है, फैटी एसिड क्या होता था, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच और यहां पे आर ग्रुप, ठीक है, यही तो था फैटी एसिड। अब आर ग्रुप अलग अलग हो सकता है, एराकिडोनिक है ना, ओलिक है, लिनोलिक है या लिनोलिनिक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने कार्बन है, वो तो चलो ठीक है, बट मैं अभी क्या बता रहा था उसके ऊपर आते हैं। देखो यहां से ओ एच चला गया, यहां से एच चला गया, नहीं यहां से ऐसे जाएगा ना, ये चले गए, वाटर का रिमूवल हो गया, वाटर के रिमूवल से इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन गई, जिस हम जिस देखो वाटर रिमूव करा, ओ एच था यहाँ पे, यहाँ पे भी ओ एच था, वाटर हटा दो, एच टू ओ हटाओ, एच टू ओ हटाया तो क्या बचा, बीच में सिर्फ बचा ओ, बीच में बचा ओ, तो ये आपके पास कैसी बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड, इसीलिए हमने इसको कहा था एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, दैट इज व्हाई दे वर नोन एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। आई होप एंड बिलीव नाउ दिस इज ओके, ये आपको क्लियर होगा। तो कहां है ये, देखो पामिटिक एसिड में 16, फिर इसके बाद आया है स्टियारिक एसिड में 18, और एराकिडोनिक में 20, और ओलिक में 18, लिनोलिक में 18, और लिनोलिनिक में भी 18 कार्बन, कार्बन नंबर सेम है, डिफरेंस किसमें, अनसैचुरेशन में, किसमें कितने डबल बॉन्ड उसमें डिफरेंस है, एक एक डबल बॉन्ड बढ़ाते जाओ। अब हमने बनाए मोनोग्लिसरल्डिहाइड्स, नहीं मोनोग्लिसरल्स, देखो मोनोग्लिसरल्स में क्या है, मोनो माने एक ही लगाना है, तो एक ही ग्रुप लगेगा यहां पे, एक ही फैटी एसिड का ग्रुप लग रहा है और एक ही के साथ लग रहा है, ठीक है, तो एक फैटी एसिड का ग्रुप अपने इसके साथ जोड़ दिया, तो वो इस प्रकार से बनेगा, कुछ कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा जो मैंने आपको अभी पीछे बना के दिखाया, वो था क्या, वो था आपके पास ये, डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड दो जगह लगा दो, ट्राइग्लिसराइड में तीनों जगह लगा दो, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड और फदर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फैट्स और ऑयल्स, जो ट्राइग्लिसराइड है वो फैट बना सकते हैं, ऑयल बना सकते हैं, फैट कैसा होता है, ऑयल कैसा होता है, ऑयल यार आप जो तेल यूज कर रहे हो ना उसी बात हो रही है, और फैट जो आप खाने में, खाने के फॉर्म में लेते हो, तो फैट सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, घी हो गया ना तो वो हाई है मेल्टिंग पॉइंट उसका, ऑयल का लो होता है, फैट में बटर घी होता है एग्जाम्पल, और ऑयल में वेजिटेबल ऑयल, जिंजली ऑयल, ये आपको एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, याद रखने हैं। जब जब हमारी एक क्लास कोई खत्म होती जाएगी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम पिछली सारी क्लासेस को भी रिवाइज करेंगे। फिर है वैक्सेस, आपने पढ़ा था कि ये फैटी एसिड की प्रेजेंट फॉर्म में हो सकते हैं और वैक्सेस की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रू फैट्स हो सकते हैं, वैक्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको बताया था, ये देखो दे कैन बी ट्रू फैट्स जिसमें ग्लिसरॉल है प्लस फैटी एसिड है, जो क्या बना रहा है, ग्लिसराइड बना रहा है, ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ठीक है, और एक हमने पढ़ा वैक्सेस, इसकी एक चीज है कि यार वैक्सेस भी फॉर्म कर सकते हैं, तो वैक्सेस के टाइप्स हो सकते हैं, बी वैक्स हो सकती है जो हनी बी ने बनाई, वो वाली वैक्स, ये बीज बनाएंगी, लैनोलिन, लैनोलिन क्या है, वेक्स मेक्स द एनिमल फर सिल्की शाइनी एंड हेंस नोन एज वूल फैट, इसको हमने कहा वूल फैट, बिकॉज ये एनिमल की स्किन में ना, एनिमल की स्किन को शाइनी बनाता है, एनिमल की फर को थोड़ा शाइनी बनाता है, इसलिए हमने इसको कहा वूल फैट। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है। अब हमारे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पे, कॉन्जुगेटेड लिपिड मतलब जो ट्रू लिपिड्स वगैरह में है ही नहीं, मतलब
जो सिंपल लिपिड्स है ही नहीं, देखो ये तो सिंपल लिपिड थे, अब हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पे आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पे आ रहे हैं अब हम। देखो कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड के साथ हमने कुछ ना कुछ और जोड़ दिया, जैसे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में हमने लिपिड के साथ फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है ये है फॉस्फोलिपिड। इसका एक एग्जांपल देखो लेसिथिन, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और मतलब एक बार आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन इज रिड्यूसिंग, इज अ सरफेस टेंशन रिड्यूसर, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट मतलब वही सरफेस पे आप इसको यूज कर सकते हो, प्रोड्यूस बाय एल्वियोलाई सेल्स एंड प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स, एल्वियोलाई सेल्स के अंदर बनता है और उसकी कोलैप्स होने से रोकता है, कोलैप्स कैसे रोक सकता है, क्योंकि ये टेंशन को सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जल्दी कोलैप्स करेगा एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो वही, पहले तो आपने ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाने की कोशिश करी है, तो मतलब क्या बोल दिया मैंने, ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल बना के यहां पे आपने लगा दिया, यहां पे आपने लगा दिया, मतलब तीसरे पे लगा रहे हो ना, तो तीसरे पे फॉस्फेट आ गया इनकी जगह, तो ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच टू बाकी एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है ना, यह लेसिथिन। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको मैं भी बना के दिखा देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा हौसला हो जाए, ठीक है। लेसिथिन का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा आप भी देख लो। सबसे पहले हमने कहा कि यार पहले आप ना तीन कार्बन लगा दो, पहले के साथ आप वही जो आपने एस्टर बनाए थे वैसे ही एस्टर बना दो, ठीक है। देखो जैसे हमने एस्टर बनाए थे वैसे ही एस्टर बना रहे हैं, सी ओ, और यहाँ पे क्या था फैटी एसिड में कार्बन आर था, ठीक है इस प्रकार से था, ये यहाँ पे भी यही लगेगा, यहाँ पे आर वन है मान लो, तो यहाँ पे आर टू ले लो, कोई भी ले सकते हो, ये आपका पास आ गया आर टू। देखो यहां तक तो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब आगे का स्ट्रक्चर देखना कैसा है, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बनना है, इसमें फॉस्फोएस्टर एस्टर तो लगेगा बट फॉस्फेट के साथ लगेगा, CH2 CH2, टेंथ में हो ना फिर इसलिए नहीं समझ आ रहा, और यहां पे आपके पास नाइट्रोजन के साथ तीन CH3 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 जुड़ जाएंगे, ये है लेसिथिन। अच्छा यहाँ पे OH रह गया, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, देखो मैंने आपको पहले से बना के भी लेके आया था और यहाँ पे बना के भी दिखा दिया ताकि आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार, नो इट्स नॉट फॉर 10th क्लास, इट्स फॉर 11th क्लास या नीट 2024 वाले बच्चों के लिए है, इट्स नॉट फॉर 10th क्लास, 10th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ही नहीं है। डराइव्ड लिपिड्स, डराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स हैं जो कि ना ही कॉन्जुगेटेड में तो आ रहे हैं बट इनमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी, इनमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी, कोई ना कोई रिंग है, रिंग से बना हुआ ऐसा कह लो, है ना। स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइडल लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं इनमें, एक एग्जांपल जैसे स्टिरॉल, स्टिरॉल, स्टिरॉल का स्टिरॉल एक क्लास है इसकी, मैं चाहूँ कि हाँ बिकॉज आपके काम का नहीं है फिर आप क्या करोगे यहाँ पे बढ़ के। स्टेरॉल एक क्लास है जो कि मोस्ट कॉमन, उसका एक एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल एक एग्जाम्पल है। देन प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इज प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड यूट्राइन वॉल, ये भी आपके पास डेराइव्ड लिपिड ही है। बाय इट्स हसन, हेलो। मेरे ख्याल से आपके लिपिड्स का काम भी क्लियर। तो एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख लो एक बार कैसे बनाना है, पहले एक बेंजीन बनाओ उसमें कोई भी आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाने हैं, सेकंड बेंजीन, तीसरा बेंजीन, फिर पांच कार्बन और फिर बेंजीन का आधा स्ट्रक्चर बना दो और बाकी ऐसे दो हाथ दिखा दो, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। और बाकी आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे लगाना है, ये कहाँ पे लगाना है, ये मिथाइल ग्रुप याद रखना कहाँ पे लगने हैं, और यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा ये डबल बॉन्ड। मेरे ख्याल से आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, तो ये आपको लर्न करना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले पुराना सारा एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में रिवाइज करने वाला मतलब लर्न करने वाला बड़ा कुछ है, तो एक बार दोबारा जितना हमने स्टार्टिंग से पढ़ा उसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, हमने स्टार्टिंग में देखा कि यार हमें कोई भी चीज का एनालिसिस करना है, हमने एक टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने मोर्टार वेसल में डाला, मोर्टार वेसल में डालने के बाद उसको हमने जो है टेट्राक्लोरिक एसिड, टेट्राक्लोरोएसिटिक एसिड, टेट्राक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको हमने डाला और उसकी थिक स्लरी बना ली, उस थिक स्लरी को हमने छान लिया यूजिंग अ चीज पेपर, है ना, चीज क्लोथ, सॉरी पेपर नहीं, चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ, उसको हमने स्लरी को सोख लिया, नीचे बचा पानी ऊपर बचा रेटेंटेट, जो पानी है जो पानी नीचे आया उसको हमने कहा फिल्ट्रेट, उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि एसिड में सॉल्युबल है, एसिड में घुल सकते हैं, और वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज 800 से कम है,
800 डाल्टन से कम है रेटेंटेट में, जो कि ऊपर रह गया। रेटेंटेट मतलब जैसे मैं छान रहा हूँ किसी चीज को, छानने के बाद एक तो है जो नीचे आ गया, जो ऊपर रह गया, ऊपर रह गया वो है एसिड इनसोल्युबल, एसिड इनसोल्युबल, बिकॉज घुल नहीं रहा, घुल जाता तो नीचे आ जाता। ऊपर है एसिड इनसोल्युबल, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, कहां से कहां तक, 1000 से ज्यादा है, 10000 से ज्यादा, सॉरी 10000 डाल्टन से ज्यादा साइज है। इसमें अपने कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए वगैरह आते हैं। लिपिड भी इसमें डाला जाता है, बट लिपिड इज नॉट अ प्योरली नॉट प्योरली मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? बिकॉज जब हमने लिपिड को एक पर्टिकुलर लिपिड, एक लिपिड का स्ट्रक्चर अगर मैंने देखा, तो वो लिपिड का जो मास है, वो साइज जो है, वो 10000 डाल्टन से कम है। 10000 क्या, 800 डाल्टन से कम है, मतलब वो तो माइक्रोमोलिक्यूल में होना चाहिए था। बट जब मैंने उसको क्रश किया ना, तो लिपिड आपको पता चिपक जाते हैं, चिपकू चिपकू से होते हैं, तो लिपिड आपस में चिपक के एग्रीगेट बना लेते हैं, उस एग्रीगेट का मास 10000 से ज्यादा है। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले इसको बोलेंगे एश टेस्ट। एश टेस्ट में आपने क्या करना है, आपने सेल लेना है, सेल को उसको वेट करो, वेट करने के बाद उसको आपने बोला वेट वेट, वेट वेट के बाद उसको आप ड्राई वेट करेंगे, और ड्राई वेट के बाद उसको आप एश में कन्वर्ट करके, उस एश पे आप कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, जो कि सॉल्ट एनालिसिस में होगा। ब्रो टेंथ वाले को आएगा भी नहीं, हाँ बिल्कुल सही। आगे अमीनो एसिड, मतलब समझ सकता है ठीक है, बट उसको कुछ नहीं समझ आएगा इसमें से। अमीनो एसिड्स फिर हमने कवर किया, अमीनो एसिड मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया कि जनरल स्ट्रक्चर कैसा है। जनरल स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे लगा है H, एक H ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे कार्बन के साथ एक एसिड ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, और इसी कार्बन के साथ आप एक लगाओगे R ग्रुप, एक लगाओगे R ग्रुप, वो R ग्रुप डिसाइड करेगा कि इस अमीनो एसिड का नेचर कैसा है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, वो R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जैसे एसिडिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, जिस ऑर्डर में बताऊं उसी ऑर्डर में याद रखो। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बन, 5 कार्बन, बस एक एसिड बनाना है, R ग्रुप में एक एसिड होना चाहिए, और बाकी तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसा है, बस बाकी जितने कार्बन बचे उसको आप स्ट्रेट चेन में लगा दोगे। पहले भी इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता के दिखा दिया था, एक बार दोबारा आप इसको देख सकते हो, नजर इसमें डाल सकते हो। फिर आएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में कितने कार्बन थे, एक इससे कम कर दो, 4 कार्बन, मतलब उसमें क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे ये 2 हट जाएगा बस, ठीक है, बाकी सब सेम, बाकी बस सब सेम, यहाँ पे 2 हट गया, ठीक है, ये है एस्पार्टिक एसिड। फिर आया हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसमें आपके पास OH ग्रुप आ रहा है। इसका एक एग्जांपल सीरीन याद रखो, सीरीन कैसे याद रख सकते हो, ये है एनिलीन, ये एनिलीन है, बस एनिलीन के साथ आपको OH लगा देना है, वो सीरीन बन जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन हो गया, तो लाइसिन में 6 कार्बन है, याद रखो 6 कार्बन, बाकी आपको स्ट्रक्चर तो याद रह जाएगा ना, 6 कार्बन याद रहेगा तो स्ट्रक्चर याद है कैसे, पहला कार्बन तो ये वाला होगा बीच वाला, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगाना है, एक NH2 लगाना है, और एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, तो 2 कार्बन पहले से बन गए, और आपको कितने कार्बन डालने हैं, 4 कार्बन, तो वो 4 कार्बन यहाँ पे लगा दो स्ट्रेट चेन में, CH2 स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन लगा दिए। अब क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे आपको एक NH2 ग्रुप भी लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको एक ट्रिक से भी बता दिया कि कैसे बना सकते हो, ठीक है, तब हमें इसको मिटा देना है चाहिए। अब इसके बाद आते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपको याद रखना है ग्लाइसिन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन, ये तीनों स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन में जो आपका R ग्रुप है वो हाइड्रोजन बन जाएगा, एलानिन में वो CH3 बन जाएगा, और वेलिन में, वेलिन में, अच्छा वेलिन पीछे रह गया, वेलिन में क्या हो जाएगा, CH के साथ CH3 ये लगेगा आपके पास R ग्रुप, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है R ग्रुप कौन सा होगा, देखो ये रहा CH के साथ CH3, तो ये आपके पास R ग्रुप इस प्रकार का है। आगे अगर मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट है आपके पास एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक के आपको एग्जांपल याद रखने हैं टायरोसिन, फिनाइल एनिलीन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एनिलीन नाम से पता चल रहा है, एक एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ उसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये आपके पास एनिलीन हो गया, इसके साथ आपने जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप को, मेरे ख्याल से यह क्लियर है। बट अगर मैंने इसके फिनाइल के साथ एक OH ग्रुप लगा दिया तो वो बन जाएगा टायरोसिन, और एक आपके पास ट्रिप्टोफैन याद रखना है, ट्रिप्टोफैन में आपको याद रखना है कि ये रिंग स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ये ऑफ कोर्स एरोमेटिक है तो रिंग तो होगा ही, साथ में इसका हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसके रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी देखने को मिल रहा है। फिर आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक का एक और एग्जांपल हिस्टिडीन, जो कि खुद बेसिक अमीनो एसिड भी है। फिर ज्यूटर आयन फॉर्म के बारे में पढ़ा, ये आपके पास ज्यूटर आयन फॉर्म है। फिर इसके बाद हमने देखा है पेप्टाइड लिंकेज, कैसी पेप्टाइड लिंकेज है, वाटर लॉस से बनेगी, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन H, ये आपके पास पेप्टाइडल लिंकेज है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एसेंशियल में आपके पास थे फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन,
लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, थायथ्रोमिन, ये सारे आपके पास एसेंशियल हैं। इनके अलावा कोई आ जाए तो वो नॉन एसेंशियल में गिना जाएगा। फिर हमने पढ़े लिपिड्स, इससे पहले हमने प्रोटीन भी पढ़े, तो पहले उसके पहले लिपिड्स देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले लिपिड्स देख लो। लिपिड्स पानी में घुलते नहीं है, इसलिए हमने कहा जनरली वाटर इनसॉल्युबल, पानी में घुलेंगे नहीं। नेक्स्ट, इसको हमने कहा ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, क्यों? बिकॉज ट्रू फैट्स में आपने देखा था, ट्रू फैट्स में आपने देखा, अभी मैंने पीछे बताया था, तो ट्रू फैट्स में जब आप बना रहे थे ग्लिसरॉल में आपने क्या डाला, फैटी एसिड डाला। फैटी एसिड जब आपने ऐड किया तो फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड इज सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे आर ग्रुप लगा है, तो इसको जब मैंने इसके साथ ऐड किया, देखो कैसे ऐड कर रहा हूं, रीसाइज कर लेते हैं इसको, अरे रुको दोबारा बना लेता हूं। यहां पे देखो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन ओ एच, यहां पे आर, ठीक है, ये है आपके पास क्या, ये ग्लिसरॉल, अरे ग्लिसरॉल तो पूरा बनाया नहीं, पहले ग्लिसरॉल तो बना दूं पूरा, ग्लिसरॉल ये रहा, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ आपने जोड़ दिया फैटी एसिड, फैटी एसिड को जोड़ दिया, अब देखो वाटर रिमूव कर देना है, वाटर रिमूव कर दिया यानी कि एक ओ एच हट जाएगा पूरा और एक का एच हट जाएगा, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सी फॉर्म हो रही है, ये एस्टर बॉन्ड, इसलिए इसको कहा कि ये एस्टर है, किसका, फैटी एसिड का एस्टर है, तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। सिंपल लिपिड में दो तरह के हैं, ट्रू फैट हो सकते हैं, वैक्सीज हो सकते हैं। ट्रू फैट के केस में हमने पढ़ा है, ट्रू फैट में क्या है, ग्लिसरॉल में हमने क्या डाल दिया, ग्लिसरॉल में जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया, ये ट्रू फैट है, ये ट्रू फ्लैश है, दिस इज मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड है ना। ग्लिसरॉल में हमने क्या डाला है, फैटी एसिड डाला है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड के केस में अगर पामेटिक एसिड है, अगर वो पामेटिक एसिड है तो उसमें पाम में 15 प्लस 1 16 ट्रिक बताई थी है ना, तो पामेटिक एसिड में 16 कार्बन। अगर मैंने बात करा है आपके पास एक और था सिरेटिक एसिड, क्या नाम था, स्टियारिक एसिड, स्टियारिक एसिड में 2 कार्बन ज्यादा है यानी 18 कार्बन है। अगर मैंने बात करी अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में एस्पार्टिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है। अगर मैंने बात करी, देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर, देखो इस स्ट्रक्चर को काउंट करो कितने कार्बन है इसमें, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, तो 20 कार्बन जो है वो OOH ग्रुप को जोड़ के हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ के 20 कार्बन है, ठीक है ना, इसमें कितने कार्बन है, 20 कार्बन। फिर हमने पढ़े ओलिक लिनोलिक लिनोलिनिक, ओलिक लिनोलिक लिनोलिक तीनों में 18 कार्बन है, बस अनसैचुरेशन में फर्क है, ओलिक में एक डबल बॉन्ड है और फिर आगे लिनोलिक में 2 लिनोलिनिक में 3, जैसे जैसे नाम का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही आपके डबल बॉन्ड भी बढ़ती जा रही है। फिर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मोनोग्लिसराइड्स मैंने आपको बता दिया कैसे थे, इनमें एसिड बॉन्ड बन रही थी, डायग्लिसराइड अगर 2 जगह एसिड बॉन्ड बनी, ट्राइग्लिसराइड अगर 3 जगह एसिड बॉन्ड बनी, तो मैं इनको साथ साथ में पेजेस को ना क्लियर भी करता जाता हूँ, बिकॉज ये आपको नोट मैंने सेंड कर देने इसके बाद, ठीक है ना। आगे चलते हैं हाँ, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, किसमें, जो ट्राइग्लिसराइड थे उसको हमने क्लासिफाई कर दिया फैट और ऑयल में। फैट कैसा है, फैट इज सॉलिड, ऑयल कैसा है, लिक्विड। फैट का एग्जांपल बटर याद रखो, घी याद रखो, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है एज कम्पेयर टू ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल में जिंजली ऑयल याद रखना है और वेजिटेबल ऑयल आपको याद रखने हैं। आगे वैक्सीज, ये भी आपके किसके अंदर आ रहे हैं, ट्रू फैट्स के अंदर आ रहे हैं। वैक्सीज में लेसिथिन आपने पढ़ा, लेनोलिन, लेनोलिन एक वूल फैट है, वूल फैट माने कि ये वूल के कलर को शाइनी अपीयरेंस देगी, एनिमल के फर को शाइनी अपीयरेंस देगी, इसलिए हमने इसको कहा वूल फैट। एक है बी वैक्स, बी वैक्स कौन बनाएगा, बीज बनाएंगी, तो ये मेरे ख्याल से आपको दो एग्जांपल्स जो हैं याद होंगे। अब हम चलते हैं आगे। आफ्टर दिस हमने पढ़ा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स वो लिपिड्स जिनमें ना केवल लिपिड्स हैं बट लिपिड के साथ कुछ नॉन लिपिड भी जुड़ा हुआ है, जैसे फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ गया। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल है लेसिथिन, जो जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देख लो, एक बार इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो, कॉपी करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, पेस्ट करके लेसिथिन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। पहले लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वही ट्राइग्लिसराइड बनाना है, तो ये देखो ग्लिसराइड के लिए CH2 होता है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, CH2OH, एक मिनट यार इसको थोड़ा दूर करके बनाते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं ताकि हम बॉन्डिंग को शो कर सकें, ठीक है, CH2OH ये है ना, और यहाँ पे है COOH और यहाँ पे R ग्रुप R1 मान लिया इसको मैंने,
यहाँ पे भी इसी प्रकार से लगा होगा नीचे भी, बिकॉज इसमें आपको तीनों साइड लगाना है, तीनों साइड आपको ये ग्लिसराइड जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच टू ओ एच, ठीक है, ये रहा इसका ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आया आर टू। सेकेंडली अब यहाँ तक तो ठीक है, इनके बीच में आपने जैसे बॉन्डिंग पहले कर रहे थे ना वैसे ही कर दो, मतलब इनको हटा के वाटर को हटा के एक एस्टर बॉन्ड लगा दो, वाटर को हटाओ एस्टर बॉन्ड लगाओ, वाटर को हटाओ और उसकी जगह एस्टर लगा दो, सिंपल। तो उसकी जगह जो बचेगा वो एस्टर ही होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया। बोले इसमें फॉस्फेट तो है ही नहीं, अब लगाएंगे फॉस्फेट यहाँ पे तीसरे वाले में। तो फॉस्फेट कैसे लगेगा, ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आया नाइट्रोजन, उसके साथ अलग सी एच थ्री तीन लगे होंगे। ये आपके पास लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। ये लेसिथिन का काम क्या है, इसका काम फंक्शन, फंक्शन याद रखो, ये सरफेस टेंशन को कम करता है, हमारी एल्वियोला के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि हमारी एल्वियोला बस ना कर सके, बिकॉज एल्वियोला का सरफेस टेंशन अगर ज्यादा हो गया तो वो बस्ट कर जाएगी, सरफेस टेंशन को कम करके उसको बस्टिंग से कोलैप्सिंग से बताएगा। सेकेंडली ये सरफेक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि आपको क्लियर है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर क्लियर है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ डेराइव्ड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड जिनमें कोई ना कोई रिंग प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है इनके स्ट्रक्चर में। इसका एक एग्जांपल स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स भी होते हैं इनमें, है ना। तो स्टेरॉइड का एक एग्जांपल है स्टिरॉल, जैसे कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, मरी सेल्वी, स्वागत है आपका भी, मैरी सेल्वी होगा मेरे ख्याल से, मैं अगर आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्टली। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ सेमेनल वेसिकल एंड यूटेराइन वॉल, ये भी कैसा है, डेराइव्ड लिपिड में आता है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखा भी दिया था, इसको आपको याद रखना है। कैसे, ट्रिक बता देता हूं याद करने की। पहले आपने बनाया एक, फिर इसी के साथ आपने बना दिया दूसरा, क्या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, फिर तीसरा आपने यहाँ पे ऊपर बनाया है, उसके बाद यहाँ पे पांच कार्बन वाला बनाना है, फिर आपको कार्बन जो है वो तोड़ देनी है, रिंग को तोड़ देना है, रिंग को तोड़ के ऐसे बना देना है, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, सी एच थ्री लगा देना है, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एक जगह पे ओ एच डबल बॉन्ड लगा देनी है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो एक बार इसको ऐसे देख लो, ठीक है, ऑप्शन ही टिक करने आपको तो नीट में। फिर कार्बोहाइड्रेट से पहले मैंने आपको प्रोटीन भी बढ़ा दिया था, तो प्रोटीन की तरफ भी चलते हैं दोबारा। प्रोटीन क्या है, पेप्टाइडल है, प्रोटीन को हम कई जगह यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, क्योंकि एंटीबॉडीज इसकी बनी होती हैं, मोस्टली एंजाइम्स इसकी बनी है, मोस्टली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो भी प्रोटीन का ट्रांसफर होता है उसके बारे में बताया कि सेल मेम्ब्रेन में भी कई सारे प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर्स के बारे में, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, मोस्टली हॉर्मोन्स भी प्रोटीनेशियस होते हैं। हेलो, नेस्ट का भी प्रिपरेशन, नीट का ही चल रहा है, ये नीट की ही बारी है, ये कि नीट का ही लेक्चर है भाई, नेस्ट मतलब आई डोंट नो बट आर यू ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, क्या जो सबसे ऊपर दिया है, कोलेजन, कोलेजन जो है वो सबसे ज्यादा है अबंडेंट इन द बायोस्फेयर, नहीं गलत, एनिमल वर्ल्ड में, बायोस्फेयर में नहीं, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट है कोलेजन। ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सरफेस का इसका एक फंक्शन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट ट्रिप्सिन, एक एंजाइम, नाम से पता चलता है जिसके पीछे इन इन आ रहा है ना, इन इन, ये तो वो एंजाइम है, तो वो क्या है आपके पास, हार्मोन है। तो ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जो आपने पढ़ा होगा पेट में आपका बनता था, है ना, पेट में मतलब ये उसमें डाइजेशन में काम करता था ट्रिप्सिन। एंटीबॉडी फाइट करेगा अगेंस्ट डिजीजेस। रिसेप्टर्स, पता है रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ग्लूट फोर जो है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को मदद करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में। फिर एक रूबिस्को के बारे में बताया गया है, राइबुलोज बायोस्फेयर, राइबुलोज बायोस्फेट, अरे भाई क्या है, राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेस, ये भी एक क्या है आपके पास, एक प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये मोस्ट अबंडेंट है पूरे बायोस्फेयर में, जबकि जो आपके कोलेजन है, कोलेजन इज नॉट इन होल बायोस्फेयर, कोलेजन इज इन एनिमल वर्ल्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपको एक टेबल ये वाला भी दिया हुआ है, ये भी याद रखोगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। एट लास्ट एक ये लास्ट टेबल आपको याद रखना है, 70-90% वाटर, प्रोटीन्स 10-15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, जो हमारे सेल के अंदर कितना है ना, न्यूक्लिक एसिड 5-7% है, आयंस 1% है। तो मेरे ख्याल आपको ये क्लियर है। फिर हमने प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर पढ़े, प्राइमरी प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रेट चेन में होंगे, आपको एन और सी एंड बताने जरूरी है। और इसमें एक और चीज की, प्राइमरी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये हमें बताते हैं पोजिशन कहाँ पे है, किस अमीनो एसिड की पोजिशन कहाँ पे है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। और ये स्ट्रेट चेन में लगाए जाएंगे, उसी को हमने कहा प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आपके दो तरह के फंक्शन, दो तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो पॉसिबल हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि होगा इस प्रकार का, इस प्रकार का, ये कैसे जुड़े हुए हैं, हेलिक्स कैसे बनाया उन्होंने, हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसने इसको जोड़ा है। तो इंट्रा
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल याद रखना है केरेटिन। फिर अगला है फाइब्रोनिन। फाइब्रोनिन फाइब्रोनिन एग्जाम्पल किसका? बीटा प्लेटेड का। ठीक है, नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको कई सारी इंटरेक्शन देखने को मिलती है। थ्री डी स्ट्रक्चर है, फोल्डेड चेन होगी, फोल्डेड चेन, और ये ऐसा ऐसा वूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे ज्यादातर प्रोटीन इसी के अंदर होते हैं। प्रोटीन ज्यादातर टर्शियरी वाले ही होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन ज्यादातर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, इनमें कई सारे इंट्रैक्शन हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, और साथ ही साथ वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, याद करो मायोग्लोबिन में एक्टिव एक्टिव बाइंडिंग साइट होती थी, तो इसमें भी एक्टिव साइट है ना, तो मायोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है। सेकंडली इसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट है, बिकॉज एंजाइम की भी एक्टिव साइट होती थी। ठीक है, विद दिस आपका इसके बाद आया था क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस आपने इस प्रकार से ना एक बीड ली, बीड के ऊपर एक पहला ही आया, इसके ऊपर दूसरा ही आया। ठीक है, इस तरह से इसको आप कह सकते हो बीड ऑन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग ऑन स्फीयर। स्ट्रिंग है स्फीयर के ऊपर, स्ट्रिंग ऑन स्फीयर। ठीक है, जो कि एक प्लेट टाइप सा एक स्ट्रक्चर आपके पास बना रहा है। नेक्स्ट, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स, एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं इसके अंदर जो इनको जोड़ के रखती हैं, जिसको ये जोड़ के रखता है। नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की चार चेन्स हैं, चार सब यूनिट्स हैं, जिसमें से दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर होंगी। अगला, डीएनए बाद में आएंगे, डीएनए पे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से आपको लग रहा है कि ये हाइड्रेट्स हैं, किसके? कार्बन के, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि इसमें सी एन है और एच टू ओ भी है कुछ ना कुछ, है ना, सी एन और कुछ ना कुछ एच टू ओ की वैल्यू भी प्रेजेंट है, बट ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कोहल भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये इसका नाम अगर मैंने रखा तो ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कई सारे होंगे, OH ग्रुप आपको कई सारे दिखेंगे, मल्टीपल दिखेंगे, इसलिए हमने इसको कहा पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा या तो कीटोन ग्रुप दिखेगा, है ना, इसलिए एक कार्बोहाइड्रेट में एक एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, इसलिए हमने इसको कहा कि यार ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, साथ में ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, तो इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड माने एक ही आपके पास शुगर है, सिंपल एक शुगर है, सिंगल शुगर विद 3 to 7 कार्बन, 3 to 7 कार्बन है और एक ही शुगर है, जुड़ी हुई नहीं है किसी और शुगर के साथ। जैसे अगर तीन कार्बन से सात कार्बन तक हो सकती है, 3 कार्बन तो ट्रायोस, 4 कार्बन तो टेट्रोस, 5 में पेंटोस, 6 तो हेक्सोस, 7 तो हेप्टोस। ये मेरे ख्याल से आपको नाम जो है वो क्लियर हो गए कि शुगर के नाम हमने कैसे रखे। ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड माने जिनमें हमने क्या किया, 2 or more मोनोसैकेराइड को हमने जोड़ दिया, 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड को जोड़ दिया। जैसे डाइसैकेराइड, अगर 2 को जोड़ा तो डाइसैकेराइड, ट्रायसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सोसैकेराइड, है ना, सेप्टासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, इस प्रकार से आपके ऑक्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनोसैकेराइड, ये इस प्रकार से आपके चलते रहेंगे। जितने आपके सैकेराइड जुड़े हुए हैं, जितने आपके मोनोसैकेराइड जुड़े हैं, उस अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। जैसे आपको तो आपको सिलेबस में कौन से पढ़ने हैं, आपको डाइसैकेराइड ही पढ़ने हैं, डाइसैकेराइड ही डिटेल में पढ़ने हैं। पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जोड़ दिए, 10 से ज्यादा जोड़ दिए तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, डाइसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहले मोनोसैकेराइड के बारे में जान लो। चलो मोनोसैकेराइड के बारे में जान लो, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। ग्लूकोज इज, देखो दोनों में 6 कार्बन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बात करूं, दोनों में 6 कार्बन होंगे, दोनों का फॉर्मुला भी सेम होगा, बिकॉज ये आइसोमर्स है, तो फॉर्मुला C6H12O6 दोनों का सेम है, बस डिफरेंस किस चीज में है, ग्लूकोज में आपके पास ये हेक्सोस शुगर तो है, दिस इज अ हेक्सोस शुगर, है ना, हेक्सोस शुगर है, और ग्लूकोज में डिफरेंस किस चीज का है, ग्लूकोज में जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी तो है बट एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और कार्बन में कीटोन है, तो कार्बन में कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है ना, ये इनका डिफरेंस है। जैसे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं, बिकॉज यहां से आपका काफी काम आपको केमिस्ट्री में भी यहां से मिलेगा, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है, आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो पहले मैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6,
एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप कहीं बीच में थोड़ी लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप को कॉर्न में लगेगा, तो ये मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब जो तीसरा कार्बन है ना, इसमें आपको उसको याद रखना है, तीसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तीसरा कार्बन याद रखो, बाकी आपको याद रह जाएगा, बाकी इसको बिल्कुल उसका उल्टा करना है। तीसरे कार्बन पे आपका जो है, कहाँ गया तीसरा कार्बन, अरे एक मिनट, तीसरे कार्बन पे, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, तीसरे कार्बन पे जो है OH ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्सी लगेगा ना, हर जगह हाइड्रोक्सी लगेगा, तो जो तीसरे कार्बन पे OH लगेगा वो होगा इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और बाकी सब में इसका उल्टा, मतलब बाकी सब में OH यहाँ पे आएगा, बाकी सब में OH यहाँ पे आएगा और H दूसरी साइड आएगा। ये मेरे ख्याल से क्लियर है, और ये है आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो डिफरेंस है वो थर्ड कार्बन का है, थर्ड कार्बन याद है तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो की लेफ्ट साइड है। अब इससे हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो अटैक कर दे इस OH पे, मतलब तो जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है फंक्शनल ग्रुप उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो कैसे अटैक करेगा देखना, वाटर लॉस करेगा, यहां से OH हटा, यहां से H हटा, O और H हटके इसका जो O था ना केवल वो लगा हुआ है। अब देखो, अब ये बॉन्ड बन गई, अब ये बॉन्ड आपके पास बन गई, तो इससे मैंने जो रिंग स्ट्रक्चर बनाया वो कैसा होगा, देखो ये मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ये वाला ऑक्सीजन बना दिया, तो बाकी रिंग कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी क्या, चेक करो, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन वाली रिंग हुई, तो ये ऐसी नहीं बनेगी, इसकी रिंग बनती है ऐसी। हेलो सीरी पागल होगी भाई, इसकी रिंग कैसे बनेगी, छह कार्बन वाली रिंग बनानी है ना। देखो रिंग के अंदर कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन वाली रिंग है, तो पांच कार्बन वाली रिंग, ये एक ऑक्सीजन है और बाकी पांच कार्बन है, तो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन आपने जोड़ दिए रिंग में इस प्रकार से, एक दो तीन चार पांच, और बाकी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा ना, तो वापस, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका रिंग स्ट्रक्चर का मैंने आउटलाइन बना दी। तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा, देखो ऐसी रिंग होती है, उसको हमने कहा पायरनोज रिंग, पायरनोज रिंग, बाकी बस ठीक है, यही है आपके पास, बस आपको ये रिंग बनानी आ गई, तो बस बाकी काम हो गया। कैसे हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, पहले कार्बन पर देखो OH किस साइड है, ये पहले कार्बन पर जो भी है वो किस साइड प्रेजेंट है, H इसका लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, जो भी लेफ्ट साइड वाले ग्रुप है वो नीचे आता है, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप हमेशा नीचे लगेंगे, देखो सॉरी राइट वाले ग्रुप हमेशा नीचे लगेंगे और लेफ्ट वाले ग्रुप हमेशा ऊपर लगेंगे, तो लेफ्ट वाले ग्रुप ऊपर लगाने हैं, यानी कि इस पे आपके पास जो है ये बन गया H ऊपर, ठीक है। सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन चेक करो, अरे यार एक मिनट, फिर सेकंड कार्बन देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई। सेकंड कार्बन पे OH है राइट साइड, तो OH नीचे लगा दो, बाकी सब ऊपर। थर्ड कार्बन पे नीचे H, ऊपर OH, बाकी सब में नीचे OH है, ऊपर H है। अब फिफ्थ कार्बन ध्यान से देखना, फिफ्थ कार्बन पे एक तो ये H जुड़ा हुआ है और एक CH2OH जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक CH2OH जुड़ा है, तो जो बल्कि ग्रुप है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, सॉरी वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, देखो ये मैंने लिख के लेके आया हूँ, बल्कि ग्रुप मोस्टली ऊपर लगाना है आपको, तो ऊपर वाली साइड बल्कि ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2OH और नीचे क्या लगेगा, H लगेगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपका इस प्रकार का होगा। देखो हमने गलती क्या करी है, यहाँ पे OH नहीं बनाया, एक्चुअली जब वाटर लॉस होगा तो कैसे होगा उस पर डिपेंड कर रहा है ना, उस पर ये वहां पे हमने गलती कर दी कि वाटर लॉस हमने अच्छे से नहीं करवाया और उसके कारण यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है ना। OH ठीक है, तो जो OH है ये नीचे आएगा बाकी की तरह, ठीक है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा, जहां पे OH नीचे है उसको हमने बोला अल्फा फॉर्म, पहले कार्बन पे OH को ऊपर कर दो वो बीटा फॉर्म हो जाएगी, पहले कार्बन पे OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो, देखो H की जगह मैंने OH लगा दिया और नीचे सिर्फ H रहने दिया, ये है आपके पास बीटा फॉर्म, दिस इज नाउ बीटा फॉर्म। तो अल्फा बीटा मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि अल्फा फॉर्म वो है जिसमें OH नीचे लगाया गया है, बीटा फॉर्म वो है जिसमें OH ऊपर है। तो बीटा जैसे अल्फा मेल होता ना, उससे बड़ा बीटा मेल मान लो, बीटा मेल में OH हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखो।
नेक्स्ट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या था, फ्रक्टोज वॉज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बस सॉरी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इस बार आपको वो बना देना है, कीटोन बना देना है, ठीक है, सेम ही चीज रहेगी बाकी, बस इस बार कीटोन बनाना है, बाकी सब सेम है। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दिख नहीं रहा होगा इतना तो, बट स्टिल इसको थोड़ा इधर ले आते हैं तो, ठीक है। पहले कार्बन पे जैसा सब कुछ वैसे ही प्रेजेंट है, नॉर्मल वाला, बिकॉज कीटोन ग्रुप आप कहीं बाहर पे थोड़ी लगाओगे, कीटोन ग्रुप लगा दिया मैंने, मान लो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया कीटोन ग्रुप, ठीक है, तो ये एच है, बाकी सब में ओ एच राइट साइड सिवाय एक के, थर्ड के, देखो थर्ड में ओ एच लेफ्ट साइड लगेगा, बाकी सब में राइट साइड लगेगा, बाकी जैसे उसमें था ना वैसे ही है इसमें भी, थर्ड में ओ एच लगेगा लेफ्ट साइड, बाकी सब में दूसरी साइड, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन हमने बना रखे हैं। आगे देखना यार, सेकंड चीज चेक करना, सेकंड लास्ट कार्बन पे आप अटैक करवाओ इसका, सेकंड लास्ट कार्बन से इसको अटैक करवा दिया, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अच्छा देखो इसमें जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर, अच्छा इसको मैंने यहाँ कहाँ अटैक करवा दिया, यहाँ पे अटैक करवाओगे ना, एक दो तीन चार, चार कार्बन रिंग, चार कार्बन रिंग मतलब एक ऑक्सीजन है, चार कार्बन, एक दो तीन चार, ये है रिंग, ऐसी रिंग को हमने बोला फ्यूरोनोज रिंग। सीधी आज पागल हो गई है, सीधी इज गॉट मैड, तो फ्यूरोनोज रिंग होती है ऐसी। बाकी ग्रुप आपको वैसे ही लगाने हैं जैसे आपने पीछे वाले लगाए थे, बल्कि ग्रुप हमेशा ऊपर लगेगा, और जो है ओ एच जो राइट साइड है वो नीचे और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर, तो ये आपके पास रिंग फॉर्म में ऐसा बन गया। अब देखो इसमें इस कार्बन को देखो ध्यान से, इसमें जो रिंग स्टार्ट होती है वो सेकंड कार्बन से स्टार्ट होती है, ये चीज ध्यान से देखना, इस कार्बन को देखो ऊपर है CH2OH, नीचे OH है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, अल्फा फॉर्म हुई, बीटा फॉर्म में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बीटा फॉर्म आ गई, ठीक है, यहां तक आपको कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद आपको दिया हुआ है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही रहेगा, बस फोर्थ कार्बन में भी उल्टा कर दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन भी चेंज कर दो, फोर्थ कार्बन चेंज कर दो, बाकी सारा ग्लूकोज का है, ठीक है। देखो ग्लूकोज में कैसा था वैसा ही है, बस फोर्थ कार्बन को एक्सचेंज कर दो, फोर्थ कार्बन को एक्सचेंज कर दो। सिमिलरली आप इसका भी रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बना सकते हो, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में अपने फोर्थ कार्बन को भी चेंज कर दिया, थर्ड की तरह कर दिया फोर्थ को भी, और यहाँ पे भी फोर्थ को आपने थर्ड की तरह कर दिया चेंज, अल्फा बीटा मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। इसके बाद आता है राइबो शुगर, यहां से आपका काम थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, राइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, बिकॉज ये डीएनए बनाएगा, इससे डीएनए बनेगा, इसलिए आपको ये समझना थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, राइबोस शुगर नाम से पता चल रहा है कि ये एक पेंटोस शुगर, ओज ओज मतलब, ठीक है ना, तो देखो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर में पांच कार्बन होंगे, पांच कार्बन है, तो देखो पांच कार्बन मैंने बना दिए, और ओज तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप वाली है, तो मैंने पांच कार्बन बनाए। पहले देखो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के समझा सकूं। यही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो देखो पांच कार्बन बनाने थे, तो एक दो तीन चार पांच, पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एल्डिहाइड तो यहीं पे लगेगा ना कॉर्नर पे। सिमिलरली बाकी ओ एच यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, इसमें हर जगह ओ एच जो है वो राइट साइड लगेगा, हर जगह ओ एच राइट साइड। क्या करोगे, सेकंड लास्ट कार्बन से इसको अटैक करवाओ, रिंग के अंदर कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन इन द रिंग, मतलब फ्यूरोनोज रिंग बनेगी, फ्यूरोनोज रिंग बना दी। ये आपके पास पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, अब तो आप इसकी पोजीशन जो भी आपको ग्रुप लगाने थे वो लगा सकते हो, OH नीचे आएगा, OH नीचे, OH नीचे, OH नीचे, H H H और यहां पे CH2OH, चेक कर लो राइबो शुगर ऐसी होगी। अच्छा ये तो बीटा राइबोस होगी ना, अल्फा राइबोस में OH नीचे होता है, बीटा राइबोस में OH ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा आरएनए में जो होती है शुगर वो बीटा वाली होती है, ये चीज भी याद रखो कि आरएनए में बीटा राइबोस शुगर होगी। और सिमिलरली डीऑक्सीराइबोस क्या है, डीऑक्सीराइबोस कुछ नहीं है, सेकंड कार्बन पे बाकी सब सेम, बाकी सब सेम है, डीऑक्सीराइबोस में सब सेम है, बस सेकंड कार्बन पे जो OH है ना, सेकंड कार्बन पे जो OH है इसको हटा के आप H कर दो, बिकॉज एक डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन हटाना है, तो आपने सेकंड कार्बन पे हटाया, तो इसको हमने कहा डीऑक्सीराइबोस शुगर, बाकी सब सेम,
तो डीऑक्सीराइबोस में ये आपके पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, बस सेकंड कार्बन पे OH जो है वो H हो गया, सेकंड कार्बन पे जो OH था वहां पे आपको H लगा देना है, ये बन गया आपके पास डीऑक्सीराइबो शुगर। और इसमें एक और चीज ध्यान से देखनी है, डीऑक्सीराइबो शुगर में एक और चीज ध्यान से देखनी है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये भी पेंटोस शुगर है, ठीक है, सारा कुछ सेम है। इसका भी बीटा फॉर्म अगर मैंने बनाया तो बीटा फॉर्म इज प्रेजेंट इन डीएनए, बीटा फॉर्म इज प्रेजेंट इन डीएनए। फिर ओलिगोसैकेराइड्स, इसके साथ हमने मोनोसैकेराइड को खत्म करा है। ओलिगोसैकेराइड्स में शुगर ने ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाकर कंबाइन करा। अब जैसे दो शुगर जब कंबाइन करेंगे तो कैसी बॉन्डिंग बनेगी, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग। वो कैसी बॉन्डिंग हुई बताते हैं, ये देखो इसको मैंने कहा ग्लाइकोसिटिक बॉन्डेज या ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। जब मैंने माल्टोज लिया तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज जो है मिलके क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। माल्टोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, जो कि किससे बन रहा है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से बनता है। और ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। देखो इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, इन्होंने आपस में जो है इस प्रकार से क्या किया, वाटर का लॉस किया। वाटर लॉस करने के बाद जो है बॉन्डिंग कैसे हुई, ऐसी हुई। इसको हमने कहा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। यार यहाँ पे एक शुगर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरी शुगर है, इसको हमने कहा है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो ये याद रखो, ये है आपके पास ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और ये कौन से कार्बन के बीच में, वो याद रखना है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि यूनिट कौन सी है इसकी, यूनिट माने किस चीज से बन रहा है। तो माल्टोज किस चीज से बना, दो अल्फा ग्लूकोज से बना, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, पहले का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन, तो 1C2 4C। नेक्स्ट है आपके पास लैक्टोज, लैक्टोज में गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है, दोनों ही आपके पास 1C4C वही वाली बॉन्डिंग रहेगी, 1C4C। और यहाँ पे दोनों का ही बीटा फॉर्म आपको लेना है, लैक्टोज में दोनों का बीटा फॉर्म है। सुक्रोज, सुक्रोज आपको याद हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, बोले डी और डी क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डी का मतलब जो मैंने बोला उसका क्या मतलब है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज मिलकर इन्होंने बनाया सुक्रोज, इसमें फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड, फिर देन कम्स द पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब एक ही यूनिट अपने आपको 10 से ज्यादा बार रिपीट कर रही है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में मतलब कई सारी यूनिट्स हैं जो मिलकर 10 से ज्यादा बार रिपीट कर रही हैं। होमोसेकेराइड का काम क्या हो सकता है, स्टोरेज, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये होमोपॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, सेलुलोज काइटिन, सेलुलोज और काइटिन भी होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का काम केवल स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपने पढ़ा है पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन। और हाइलुरोनिक एसिड भी क्या है, एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। आगे चलिए, 2 घंटे में अगर ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया तो ये अच्छा ही होगा हमारे लिए, बिकॉज अभी तो 1 घंटा 17 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। देखो, नोट, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट इन स्टोर्ड फॉर्म एंड आर केमिकली नॉन रिएक्टिव एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। तो ये आप एक नोट को याद रखना है, जो स्टोरेज बने हैं, बिकॉज वो स्टोर कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो एक्टिव क्यों होंगे, है ना, दे आर इनएक्टिव और वो स्टोर्ड फॉर्म में है, और ऑप्टिकली नहीं, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव भी होंगे साथ में। अब देखो ये आपके पास इन्होंने दिखाया है किस चीज के बारे में, स्टोरेज वाला होमोसेकेराइड जिसका हमने बोला ग्लाइकोजन। पहले इन्होंने ग्लाइकोजन के बारे में बताया, ग्लाइकोजन कैसा है, हमारे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये लिवर में प्रेजेंट है, ठीक है, लिवर में स्टोर होता है ये, और 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज। देखो डी ग्लूकोज क्या है वो मैं आपको क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे, क्लास 12th का चैप्टर केमिस्ट्री का, तब आपको बताऊंगा डी ग्लूकोज का क्या मतलब है। इसमें दो तरह के फॉर्म्स हैं, स्ट्रेट चेन में हो सकता है और ब्रांचिंग भी हो सकती है। जैसे मानो ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, तो उन्होंने आपस में स्ट्रेट चेन बनाई। जब दो ग्लूकोज स्ट्रेट चेन बना रहे थे तो कैसी कैसी बॉन्डिंग हो रही थी, 1C4C, बट जब इन्होंने ब्रांचिंग करी तो अभी ये स्ट्रेट चेन नहीं है, अभी स्ट्रेट चेन नहीं रहा, अभी ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पे जो इसका है, इसका देखो, इसका फर्स्ट और फोर्थ तो बिजी हो गया, फर्स्ट इसने बिजी कर लिया, फोर्थ इसने बिजी कर लिया, तो अभी अपना सिक्स यूज करेगा, और ये वाला अपना फर्स्ट यूज कर सकता है। तो फर्स्ट टू सिक्स ब्रांचिंग, 1-6 ब्रांचिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब ब्रांचिंग हो रही है तो वहां पे अल्फा 1-6 होगा और स्ट्रेट चेन में 1-4 होगा बॉन्डिंग का ऑर्डर, कार्बन 1-4 और यहाँ पे कार्बन 1-6। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ध्यान से इसको देखो, स्ट्रक्चर को क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर में आपको, देखो ये फर्स्ट कार्बन था, फोर्थ कार्बन था, अरे पता नहीं क्यों मिट जा रही है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन की स्ट्रेट चेन में, अदरवाइज फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन की बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं,
स्टार्च जो है आपका प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, और इसमें भी अल्फा ग्लूकोस ही प्रेजेंट होता है, अल्फा ग्लूकोस ही प्रेजेंट होता है। स्टार्च के दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक है अमाइलोपेक्टिन और एक है अमाइलोस। अमाइलोपेक्टिन जो है वो 70-90% ऑफ द स्टार्च है, अमाइलोपेक्टिन है 70-90% ऑफ द स्टार्च, और अमाइलोस जो है वो 10-30% जो बचा हुआ वो है अमाइलोस का स्ट्रक्चर। अमाइलोस कैसा है, इस प्रकार का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है अमाइलोस का, देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और ये देखो कैसा अजीब सा स्ट्रक्चर है ब्रांच जैसा, ठीक है। तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन का, अमाइलोस है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अमाइलोस। अमाइलोस जो है वो क्या करेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर में भी बना सकता है कभी कभी, और इसके कारण इसके अंदर आयोडीन ट्रैप हो सकता है। आयोडीन ट्रैप हो गया, इससे हम पता कर सकते हैं कि यार देखो अमाइलोस ने आयोडीन को ट्रैप कर लिया, अमाइलोस ने आयोडीन को ट्रैप कर लिया, इससे हमें यह पता चला कि अमाइलोस जो स्टार्च में प्रेजेंट है, तो हमें पता है, इसको हमने कहा स्टार्च टेस्ट का बेसिस बना दिया। आयोडीन को ट्रैप कर रहा है इसलिए आयोडीन टेस्ट दे पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है एज ए स्टोर्ड फॉर्म ओनली, बीटा फ्रक्टोज एज यूनिट, इंसुलिन की यूनिट कौन है, बीटा फ्रक्टोज है, यूज्ड इन रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट में हम इंसुलिन का यूज लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसको एक बंदे को दे रहे हैं, ओए इंसुलिन नहीं है भाई इन्यूलिन है, मैं वही बोलूँ इंसुलिन थोड़ी है ये, इंसुलिन आपने यहाँ अभी कहाँ पढ़ लिया, वो तो हार्मोन में आएगा, इन्यूलिन है ये इन्यूलिन। इन्यूलिन में क्या होगा, हमने एक बंदे को इन्यूलिन दिया, अगर उसकी रीनल किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है ना, तो वो सारा जो है बाहर निकल जाएगा इन्यूलिन उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी में कुछ इन्यूलिन नहीं बचेगा, तो अगर बच गया मतलब उसकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, ठीक है। अब हमारे स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल में होमोसेक्राइड, स्ट्रक्चरल में होमोसेक्राइड कौन से थे, सेलुलोज पड़ा था, काइटिन पड़ा था। सेलुलोज कैसा है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ है, और मेड अप ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, तो बीटा ग्लूकोज से बन रहा है सेलुलोज भी, और बीटा फ्रक्टोज से बना था इन्यूलिन, एंड नेक्स्ट जो है अल्फा ग्लूकोज से बना था स्टार्च, और अल्फा ग्लूकोज से ही बना था वो जो है आपके पास ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टार्च दोनों अल्फा ग्लूकोज से बने हैं, इन्यूलिन बीटा फ्रक्टोज से बना है, और जो आपके पास सेल वॉल है किसकी, प्लांट्स की सेलुलोज, वो किससे बना है, वो आपका बना है बाय बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट फंगस की सेल वॉल काइटिन, काइटिन कहां प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट के एंडोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था। सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन अर्थ, ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर है जो एबंडेंट है। नेक्स्ट किससे बना है, इसमें एक चीज होती है नैग, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, जो आपको याद रखना है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने कहा नैग। आगे चलिए स्ट्रक्चरल, आपको अब हेट्रोसेक्राइड पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल में, पेप्टाइडोग्लाइकन है और हाइलुरोनिक एसिड है। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, और ये नैग में इसके साथ साथ एक नैम भी आ जाता है, नैम माने एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, बिकॉज हर यूनिट सेम नहीं है इसलिए ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। हाइलुरोनिक एसिड कार्टिलेज में होगा और ये नैग से बना होगा, और इसके साथ साथ नैग के अलावा इसके अंदर ग्लूकार्निक एसिड होगा, ग्लूकार्निक एसिड होगा किसके अंदर, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये आपको क्लास 12th में, यानी क्लास 12th के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे है ना, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जो शुगर फिलिंग्स टेस्ट दे रही है वो रिड्यूसिंग है, जिसके फ्री एंड पे आपको, जिसका कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है वो फिलिंग टेस्ट देगी। तो देखो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप अगर है तो ठीक है, वो आपके पास क्या कर रही है, वो टेस्ट दे रही है। यहाँ पर आपको OH दिख रहा है, यानी कीटोन ग्रुप इज नॉट फ्री, यहाँ पे आपको O नेगेटिव दिख रहा है, यानी कीटोन ग्रुप इज फ्री या एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री। तो यहाँ पे इस एंड को मैंने क्या बोल दिया, इस एंड को मैंने बोल दिया रिड्यूसिंग एंड, और इस एंड को मैंने बोल दिया नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी जो फोर वाला एंड है आपके पास रिड्यूसिंग एंड। नेक्स्ट रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में लिख के भी लेके आया हूँ, जो रिड्यूस कर रही है शुगर्स विच कैन रिड्यूस द कॉपर आयन, वो क्या है, रिड्यूसिंग है। फेरिंग्स टेस्ट से आपको ये चीज पता चलेगी, फेरिंग्स टेस्ट के बारे में ही बात हो रही है, कॉपर आयन के बारे में, तो कॉपर सल्फेट फेरिंग्स टेस्ट के अंदर यूज होता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, सारे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड एक्सेप्ट वन, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता था, सुक्रोज क्या होता था, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से बना होता था सुक्रोज। उसके अलावा बाकी सारे मोनोसेक्राइड, बाकी सारे डाइसेक्राइड वो क्या है, आपके पास रिड्यूसिंग है, बस यही नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है ये, ठीक है। प्रोटीन का सेक्शन हमने पढ़ लिया है।
देखते हैं एक बार एनसीईआरटी से, देख चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ छूटा ना हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपाउंड, ये हमने रीड पहले से रीड किया, समझ लिया है पहले से। इसके अलावा हमने ये सब टेबल जो है वो देख लिए हैं, अमीनो एसिड लिपिड्स हमने कवर कर लिए हैं। यहां से अब हमें करना है आगे का काम, डीएनए समझना है अब हमें। यहां देखो, यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सम ऑफ देम आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, न्यूक्लियोसाइड। ये मैं आपको समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, थोड़ा फुर्सत में समझाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे समझा दिया तो मैं आपको इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को, एक कोर्स है ना, क्रैश कोर्स है, तो मैं इसको अगले चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी डीएनए का स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ और छूटा ना हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपका हो गया है, अच्छा ये चीज रह गई है, मेटाबोलाइट्स रहते हैं, तो ये मैंने आपको समझाना है अभी, ये समझाना है पैराग्राफ अभी। ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज ऑलरेडी डन, ये हमने कर लिया है, वाटर सोल्युबल प्रोटीन हमने कर लिया। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कुछ छूटा ना हुआ बस, है ना। पॉलीसेक्राइड वी हैव ऑलरेडी डन, न्यूक्लिक एसिड डन, स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड भी रहता है। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया, एंजाइम्स के बारे में बचा हुआ है, अभी एंजाइम्स बचा है, एक एंजाइम्स बच गया, और केमिकल रिएक्शंस बच गए, और एंजाइम एक्शन बच गया, और फैक्टर्स मतलब एंजाइम के बारे में थोड़ा जो थ्योरी है वो रह गई, थ्योरेटिकल है, इसीलिए मैं इसको एनसीईआरटी से लेके आया हूँ। एंजाइम्स रह गए हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर रह गया, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देता हूँ, बट उससे पहले आपको ये चीज देखनी है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन स्ट्रक्चर, प्यूरीन, प्यूरीन में दो रिंग्स देखने को मिल रही हैं, तो प्यूरीन में दो रिंग, तो इनमें से जितने जिसमें भी आपको दो रिंग्स देखने को मिल रही है वो प्यूरीन है, एडिनिन प्यूरीन है, ग्वानिन प्यूरीन है। इनके बारे में आप छोड़ दो, इनको छोड़ दो, एडिनिन और ग्वानिन को देखो, ये प्यूरीन है। स्ट्रक्चर देखना चाहो देख सकते हो, एक बार लर्न करना चाहो लर्न कर सकते हो, बट आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखो इसमें दो रिंग्स हैं, और कार्बन नाइट्रोजन कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे मतलब 1, 3, 5 और 9, इन चार पोजीशन पे यहाँ पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 1, 3, 5 एंड 9। ठीक है, चेक कर लेना, बट फिर भी ये चीज ना पता नहीं 1, 3, 5, 9 या 7, 9, एक बार चेक कर लेना। और अगर मैं बात कर रहा हूं कहां पे गया, ये तो प्यूरीन ही है सारे, पाइरिमिडीन कहां लेके आया हूं फिर मैं। हाँ देखो, प्यूरीन का स्ट्रक्चर ऐसा है और पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, पाइरिमिडीन में सिंपल एक सिंगल रिंग होगी। ठीक है, तो वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, पाइरिमिडीन में आपको दो नाइट्रोजन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक थर्ड कार्बन पे है। अब अगर मैंने बात करी है आरएनए की, तो ये जो आपने बेसिस पढ़े अभी तक, इनमें पहले चलो मैं आपको आपको मैं करवा देता हूँ ये चीजें। प्यूरीन्स आपने पढ़े, प्यूरीन्स, प्यूरीन्स कौन से थे, एडेनिन था, ग्वानिन था, एडेनिन था, ग्वानिन था, इन दोनों को मैंने कैसे लिख दिया, एडेनिन को लिख दिया मैंने ए, ग्वानिन को मैंने लिख दिया जी। फिर हमने पढ़े पाइरिमिडीन्स, पाइरिमिडीन्स में, पाइरिमिडीन्स में एटी तो ठीक है, अब जो बचे हैं टी और सी, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये तीनों आपके पाइरिमिडीन हैं। अब थाइमिन और यूरेसिल में से ये दोनों कॉमन नहीं है, मतलब डीएनए और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों होते हैं, बस आरएनए और डीएनए में ये दोनों में से कोई एक एक होगा। आरएनए में होता है यूरेसिल, डीएनए में होता है थाइमिन, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। प्यूरीन में कितनी रिंग्स थी, टू रिंग्स थी, और पाइरिमिडीन में कितनी रिंग थी, वन रिंग थी, मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर है। ये रिंग्स कैसी रिंग्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं या होमोसाइक्लिक, दे आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, बिकॉज़ इसमें आपको क्या दिख रहा था, इसमें आपको नाइट्रोजन में तो दिख रहा था, इसलिए ये है हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, दे आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, तो बस इतना आपको याद रखना है। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या लग गया, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो शुगर के साथ लग गए। अगर तो हमने शुगर यूज करी है राइबो शुगर, और वो भी कौन सी, बीटा फॉर्म राइबो शुगर, बीटा फॉर्म राइबो शुगर का अगर हमने यूज किया है तो वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा पहले तो, है ना, बिकॉज हमने क्या करा, इसके साथ हमने नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ दिए, तो बनेगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। बट अगर मैंने बीटा डीऑक्सीराइबोस के साथ जोड़ा है, किसको, नाइट्रोजनस बेस को, तो वो बनेगा
डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना है आपको। अरे ये लास्ट पेज ही था, गौर से सुनना मेरी बात को। अब जो आगे का ये टॉपिक्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिस यहीं पे है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको ये सारी चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, आपको यहीं से देखने को बोला जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इसको एक बार ना डुप्लीकेट करके थोड़ा नंबर बढ़ा देता हूँ इनका। ठीक है, ताकि हम इसको समझ सकें। अब मैंने कहा यार ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि अब न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो इसका मतलब है शुगर में अगर मैंने नाइट्रोजिनस बेस जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अगर मैंने इस न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अभी डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। अगर वो डीऑक्सी शुगर है, अगर हमने डीऑक्सीराइबो शुगर लिया है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, अगर आपकी शुगर है डीऑक्सी वाली शुगर। बट अगर आपने राइबो शुगर लिया, राइबो शुगर, तो वो बनेगा राइबो ऑक्सी, तो वो बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, राइबो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा। मैंने एक शुगर ले ली ये वाली, बिकॉज मैंने कहा था बीटा फॉर्म बनती है ना, बीटा फॉर्म यूज होती है, तो ये रही बीटा फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी शुगर है, चेक करो ये कौन सी शुगर है। सेकेंड कार्बन पे एच है, ओ एच नहीं है, ओ एच ना होने के कारण ये है डीऑक्सीराइबो शुगर। इसके साथ मैंने कोई ना कोई चीज जोड़नी है। जब भी हमने कोई चीज जोड़नी होती है ना, तो हम वाटर लॉस करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए ओ एच। तो जहां पे फ्री ओ एच है वहां पे हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि यहां पे जोड़ सकते हो, यहां पे जोड़ सकते हो, यहां पे जोड़ सकते हो। तो इन तीन में से हमने जो जगह चुनी है नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ने के लिए, वो है फर्स्ट कार्बन। यहां पे जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस, और ये अब क्या बन गया, ये बन गया आपके पास न्यूक्लियोसाइड। नाउ दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अभी नाइट्रोजिनस बेस कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एडिनाइलेट है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब इस न्यूक्लियोसाइड को मैंने, सॉरी, अगले पेज पे कॉपी कर लिया, तो अगले पेज पे ले जाता हूं इसको। ये लो, ये आपके पास आ गया न्यूक्लियोसाइड। इसका मैंने रिसाइज करके थोड़ा बड़ा भी कर दिया। अब देखो यार, अब मैंने इसके साथ फॉस्फेट जोड़ना है ताकि मैं इसको न्यूक्लियोटाइड बना सकूं। तो मेरे पास तीन जगह हैं, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे कहीं सिंगल एच तो नहीं होता था, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, बिकॉज राइबो शुगर का स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। तो लेट मी चेक इट फर्स्ट। हाँ यहाँ पे एच है, मैं वही बोलूँ, यहाँ पे एच होना चाहिए, ओ एच नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मतलब अब आपके पास दो जगहें हैं, अब आपके पास दो जगहें हैं जहां पे आप क्या लगा सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप लगा सकते हो। पहली जगह है आपके पास ये वाली, दूसरी जगह है आपके पास ये वाली। इनमें से हमने चुन ली ये वाली। तो यहाँ पे पांचवें कार्बन पे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है, पांचवें कार्बन पे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है। अरे क्या है, सिलेक्ट तो हो जा, कैसे लगेगा, ओ पी डबल बॉन्ड, ओ और ओ, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप लग गया। अब जब ये नाइट्रोजन और शुगर के बीच में बॉन्ड बनती है ना, ये बॉन्ड है आपकी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। और जो ये बॉन्ड है, ये दिस इज फॉस्फो एस्टर, वैसे तो एस्टर होती बट एस्टर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि एक साइड फॉस्फो है, फॉस्फेट है, इसलिए इसको मैंने कहा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर लिंकेज या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखना, इस एक शुगर के साथ मैंने दूसरी शुगर को जोड़ना है, इस एक शुगर के साथ मैंने दूसरी इसी की तरह की एक शुगर है उसको मैंने जोड़ना है। तो मैं उसको ले आया नीचे और इसको थोड़ा मैंने रिसाइज करके छोटा कर दिया पहले, और अब मैंने इसको कट करके अगले पेज पे जोड़ देते हैं। चलो, अगले पेज में मैंने दो शुगर को आपस में जोड़ना, बिकॉज मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बननी है। तो न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, बट अब मुझे इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखो, ये दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे आपस में पास पास प्रेजेंट हैं ऐसे, ठीक है ना। तो जो इनका वाटर लॉस, यहां से वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होने के बाद यहां से क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से क्या बनता है, ओ ये बॉन्ड आपके पास यहां से बन जाएगी। अब यहां पे
एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां दिख रही है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां दिख रही है, तो इसलिए इसको हमने कहा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, बिकॉज दो बॉन्ड दिख रही हैं, तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ रहे हैं तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड में जब हमने नाइट्रोजन बेस को जोड़ा तो वो बनी आपके पास एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर मैंने उसके साथ फॉस्फेट को जोड़ा है तो वो बनी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रक्चर मतलब एक चेन। आपको पता है डीएनए की दो चेन होती है, तो डीएनए की दो चेन में से मैंने एक चेन तो बना दी आधी, तो दो दो बेसिस की बना दी ना। अब मैं बेसिस भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेस भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एडेनिन, यहाँ पे मैंने लिख दिया गुआनिन, ठीक है। अब सेकेंड चेन बनानी है, तो सेकेंड चेन बनाने के लिए मैंने ना इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है। ये देखिए सेकेंड चेन बनाने के लिए इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया ना, ये हो गया डुप्लीकेट और ये आ गया यहाँ पे। अब देखना सेकेंड चेन जब बनती है ना तो वो कैसे बनती है, उसकी उसकी तरफ ध्यान से देखना है आपको। छोटा कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज, ताकि आपको आसानी से दिख सके, बिकॉज कई बार कहता है मेरी शक्ल के नीचे चीजें छुप जाती हैं। देखो यार चैप्टर को हमने बड़े आराम से करा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने भगाया है, या कोई ये नहीं कह सकता कि हमें समझ नहीं आया हो, ठीक है। अब जब ये इसके साथ लगते हैं ना तो अभी रीसाइज होके कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो गए, ऐसे उल्टे हो गए मतलब, ठीक है ना, अभी उल्टे हो गए। उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको उल्टा कैसे करा जाए, रीसाइज कर देते हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे उल्टा हो गया, और साथ में ऐसे भी उल्टा हो जाता है, मतलब अब ये कैसा है, यहां पे आपके पास ग्वानिन प्रेजेंट है, यहां पे CH2O पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ प्रेजेंट है, और बाकी सब कुछ वैसा ही है, OH, ये OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैंने बना दिया उल्टा होके, दूसरे स्टैंड में उल्टा हो जाएगा ना, बिकॉज दो स्टैंड हैं, तो दो स्टैंड एंटी पैरल होती है, इतना तो पता होगा आपको, है ना, तो दो स्टैंड एंटी पैरल है इसलिए उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली स्टैंड के साथ और ये नीचे वाले बेस के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करते हैं तो कैसे पेयरिंग होती है, देखो इन दोनों को भी पहले जोड़ना पड़ेगा ना, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हमने क्या करना है, इन दोनों की भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, और वो कैसे बनेगी, थर्ड कार्बन से बनेगी, तो ये देखो थर्ड कार्बन से बनानी है, तो ये मैंने इसका थर्ड कार्बन से OH हटा के यहाँ पे सिंपल इसके साथ फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दी। अब देखना ए के सामने कौन सा बेस आता है, ये मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक की मदद से। ATGC एडेनिन और थाइमिन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, मतलब ए के सामने आता है थाइमिन, और इनके बीच में बनती है दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगी, एक ये रही दूसरी ये रही, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस आर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस आर नॉट डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी के सामने आता है सी, जी के सामने आएगा सी, इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगी, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ध्यान से देखना, ये जो है ये आपकी फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये आपकी सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमने एडेनिन को थाइमिन से जोड़ दिया, ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ दिया। अब एडेनिन कैसा था, एडेनिन वॉज अ प्यूरीन, थाइमिन वॉज अ पाइरिमिडीन, तो प्यूरीन हमेशा पाइरिमिडीन के सामने आता है, प्यूरीन्स आर ऑलवेज बॉन्डेड टू पाइरिमिडीन्स, हमेशा डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में प्यूरीन के सामने पाइरिमिडीन आएगा, यहाँ पे प्यूरीन है तो यहाँ पे पाइरिमिडीन आएगा। अब ऐसा क्यों है, देखो प्यूरीन में कितनी रिंग थी, दो रिंग थी, तो ये प्यूरीन की दो रिंग मैंने बना दी, पाइरिमिडीन में एक रिंग थी तो ये एक रिंग, ठीक है। अब अगला बेस मैंने मान ला कि अगला बेस जो है उसमें प्यूरीन के साथ प्यूरीन जुड़ गया, तो ये प्यूरीन था दो रिंग वाला, इसके साथ एक दो रिंग वाला जुड़ गया, तो देखो डीएनए की लेंथ जो है कितनी इन वेरिएबल सी होगी ना, तो डीएनए की लेंथ तो वेरिएबल नहीं है, है ना, तो ये गलत हो गया, बिकॉज डीएनए की लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। अब ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, हाँ चलो, तो ये मैंने आपको जो बेसिक है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। देखो डीएनए कहाँ था, डीएनए का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये आप चेक कर सकते हो, सारे स्ट्रक्चर्स वो बने हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आप चेक करो,
न्यूक्लियोसाइड में आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड में आपको दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड में एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड वो है न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडिनिन लगा है और फॉस्फेट तो लगेगा ही लगेगा। न्यूक्लियोसाइड में यूरिडीन, एडिनोसिन, इनके बारे में नाम आप इनके पढ़ेंगे कहां पे, क्लास 12th में। नाइट्रोजनस बेसिस तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और देखो पहले हम ये वाला पैराग्राफ कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी का, पहले हम ये वाला पैराग्राफ कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। अरे लेट मी क्रॉप दैट पैराग्राफ फॉर यू, ये प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला, ठीक है। ये लो जी, ये हो गया आपके पास क्रॉप। अब मेरे ख्याल आपको पैराग्राफ प्रॉपरली दिख रहा होगा। अब चेक करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है देखना। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच अ लिस्ट वुड हैव बीन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये छोड़ो, यहां देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में देखना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं, देखो यार ध्यान से, फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन डिस्कस दीज एज मेटाबोलाइट्स। In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. They are called primary metabolites. Primary metabolites मतलब वो जो हमारे लिए जरूरी हैं, वो जो हमारे लिए जरूरी हैं। However, when one analyzes the plant, fungal and microbial cells, तो उनमें जरूरत से ज्यादा कुछ अलग सी चीजें भी बनती हैं, जो उनको जरूरी है वो तो चाहिए चाहिए, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बनती हैं जिनको उन्होंने कहा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे पिगमेंट हो गया, सेंट, गम, स्पाइसेस, जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है बट वो ऐसे बना रहे हैं, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, है ना, एंथोसाइनेंस, नाम से पता चल रहा है ये पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ठीक है। देन एल्कलॉइड्स, मॉर्फीन, कोडीन, ये एल्कलॉइड्स हैं, कोका एल्कलॉइड्स आप पढ़ोगे, कोकेन। देन टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पेन्स, डायटर्पेन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन टॉक्सिन है, एग्जाम्पल ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेक्टिन, कॉनकानेवलिन ए, ये एक लेक्टिन है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो कि पॉलीमर्स हैं, रबर, गम्स एंड सेलुलोस। तो यही आपको याद रखना है, इनका कोई रोल नहीं है इनके फंक्शनिंग में बट ये स्टिल इनके इनको बना रहे हैं। फिर हमने डीएनए देखना था, डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने कहां दिया हुआ है, ये देखो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन्होंने सब कुछ यहां पे बताया हुआ है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, तो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पहले से ही बता दिया। अच्छा ऊपर भी था यार एक पैराग्राफ जो हमसे छूटा हुआ था अभी, ये वाला, ये देखो। Living organisms have a number of carbon compounds in heterocyclic ring, thymine, adenine, guanine, ये तो हमको इन्होंने बेसिस के बारे में बताया है ना, बेसिस कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब हमारे एंजाइम एक्शन पे, तो एंजाइम एक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो एंजाइम्स को स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको क्या किया, छोटा कर दिया, यहाँ पे एंजाइम को सिर्फ ले आया और इसको मैंने डिलीट कर दिया बाकी को, और ये एंजाइम मैंने ले आया ऐसे ऊपर और इसको कर दिया बड़ा। मैंने आपको पहले बताया था एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, तो सारे एंजाइम्स अगर प्रोटीन्स हैं। There are some nucleic acid that behave like enzymes. They are called ribozymes. अगर कोई nucleic acid है जो कि बन रहा है enzyme की तरह, तो उसको हमने कहा ribozyme. या पढ़ोगे catalytic activity किसकी, ribozyme की, in bacteria class 12th, जहाँ पे आप molecular basis of inheritance chapter पढ़ोगे, वहाँ पे आइए आपको पता चलेगा। One can depict an enzyme by the diagram, line diagram से। Enzyme like a protein has a primary structure. Enzyme का primary structure है amino acid sequence of protein. An enzyme like any protein has secondary and tertiary structure. इसका secondary और tertiary structure भी होता है। When you look at tertiary structure, आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कुछ folds हैं और उन folds के कारण इसके ऊपर एक active site बन गई। उन folds के कारण इसके ऊपर एक active site बन गई। देखो, यही आपको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। उन folds के कारण, fold के कारण कहीं कहीं जगह पे pocket बन रही है। उस pocket को हमने कहा active site. Active site वो है जहाँ पे कोई भी substrate जो है वो fit करेगा, fit होगा। Thus, enzymes through their active site catalyze the reaction at high rate. Enzyme की जब active site पे कुछ चीज bind करेगी तो वो catalyze कर देगी reaction को, तेज कर देगी। Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. एक जो major difference है वो कौन सा है? Inorganic catalysts जो है वो high temperature पे भी work कर सकते हैं, high pressure पे भी work कर सकते हैं, but enzyme नहीं। Enzyme तो organic matter है, तो organic matter high temperature पे work properly नहीं कर पाता है। Enzymes जो है वो high temperature पे इसलिए work नहीं कर पाएंगे। However, enzymes isolated from organisms who normally live under high temperature are stable and retain their catalytic power up to 80 to 90 degrees Celsius. Thermal stability is important quality of such enzymes. So, thermal stability होनी चाहिए। वो organisms जो कि गर्मियों में रहते हैं ज़्यादा, उनसे अगर मैंने enzyme बनाया है, तो वो
गर्मियों में रह पाएगा एंजाइम, वो वाला भी। ठीक है, इसके बाद आगे है आपके पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को देखिए क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से देखो क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज सेइंग केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, इसको हमने कहा फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज इज चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है तो भी फिजिकल स्टेट है। व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम अ वेपर, देयर आर आल्सो फिजिकल प्रोसेसेस। व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन, जब बॉन्ड बनी ब्रोक हुई और नई बॉन्ड बनी उसको हमने कहा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। आपको पता है स्टार्च से क्या बनता था, स्टार्च, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर दी। स्टार्च किस किस चीज से बना था, स्टार्च बना था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो स्टार्च से क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा और एक बनेगा C6H12O6। और फर्क क्या है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास एल्डिहाइड वाला होता है और दूसरा आपके पास कीटोसिक ग्रुप होता है, कीटोनिक शुगर है दूसरा, ठीक है ना। इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल दी तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे लिख सकते हो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, कितना प्रोडक्ट बना है कितने टाइम में बना है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड, वेलोसिटी अगर डायरेक्शन पता है किस साइड पर रिएक्शन है ना, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन है, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया है। अ जनरल रूल ऑफ थंब दैट रेट क्या हो रहा है, एवरी 10 डिग्री चेंज पे रेट डबल हो जाता है, हर 10 डिग्री चेंज पे रेट डबल हो जाएगा। ये तो डबल हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो डबल तो हाफ, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ये बेल शेप ग्राफ आता है, देखो बेल शेप ग्राफ आता है इस प्रकार के, यहाँ पे रेट है यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री बढ़ा रेट डबल हो गया और 10 डिग्री बढ़ा रेट डबल हो गया। एक टेम्परेचर आता है जहाँ पे रेट मैक्सिमम होता है, उसको हमने कहा ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर दैट रिएक्शन, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर दैट रिएक्शन। और उसके बाद धीरे धीरे रेट कम हो रहा है विद डिक्री विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यही आपको कहा, फिर धीरे धीरे रेट हाफ हो जाएगा। देखो व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी हायर देन द सेम अनकैटलाइज्ड। अरे यार अगर आपने एंजाइम डाला तो रेट जल्दी हो जाएगा ना रिएक्शन, तो यही उन्होंने कहा कि अगर एंजाइम डाला है तो रिएक्शन जल्दी होता है। एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेट, एक एंजाइम डाला है तो आपको जल्दी मिलेगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इसके बाद है आपके पास यहां पे ये जो रिएक्शन था जो हमने अभी पढ़ा, इसके बाद का टॉपिक आपका यहाँ पे है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, उसको मैं एनसीईआरटी से ही करेंगे ये भी, ठीक है, बिकॉज एंजाइम वाला टॉपिक ही चल रहा है आपके पास। तो देखो क्या कहा कि अगर हमने ये एंजाइम ना डाली होती, कार्बोनिक एनहाइड्रेस अगर एंजाइम हमने ना डाली होती तो हमारा टाइम कितना ज्यादा लगता, तो हमारा रिएक्शन बड़े स्लो होता विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्मड इन एन आवर, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स। बट अगर हमने एंजाइम डाल दी है तो अब 600,000 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हर सेकंड में, एक सेकंड में, देखो कितनी स्पीड बढ़ गई, तो लगभग 10 मिलियन गुना टाइम जो है वो एंजाइम का काम से बढ़ चुका है। देखो अब ग्लूकोज से आपने पाइरूविक एसिड बनाया, ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम दैट आर कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे आपको पता ही है क्या होता है ना, तो देखो एग्जांपल जो ये है, ये मेटाबॉलिक पाथवे ही है, ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक एसिड बन रहा है और इसमें 10 अलग-अलग एंजाइम्स जो है वो इस मेटाबॉलिक पाथवे को कवर कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार आप रीड कर लेना, आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि एंजाइम कर कैसे पाते हैं ये चीज। तो मैंने बताया कि अगर एंजाइम में एक्टिव साइट होती है तो वो सब्सट्रेट के ऊपर बाइंड करते हैं, जैसे सब्सट्रेट एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। देखो सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनाना ये एंजाइम का काम है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सब्सट्रेट हैज टू बाइंड टू एंजाइम इन इट्स एक्टिव साइट। तो देखो यार मैंने एक एंजाइम बनाई, ये मैंने एक एंजाइम बना दी, ये मैंने एक एंजाइम बना दी और ये मैंने बना दिया इसका सब्सट्रेट, ये इसका सब्सट्रेट है। जैसे ही सब्सट्रेट इस एंजाइम पे बाइंड करेगा इस प्रकार से तो ये लॉक हो जाएगा, इट इज कॉल्ड लॉक की मैकेनिज्म। हर एंजाइम का अलग अलग सब्सट्रेट होता है, इसको हमने कहा लॉक की मैकेनिज्म। तो ये बन गया एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट व्हेन सब्सट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्मड, इसको हमने ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया।
वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इट कंप्लीटेड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलीज। जैसे ही आपका ये हो गया, आपका जो है एंजाइम काम करना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला, अब एंजाइम ने ऐसा किया क्या? एंजाइम एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये आपको और क्लियर होगा जब आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम जब आप पढ़ेंगे, किस चैप्टर में है, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये हमें अभी के लिए क्लियर करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसा है। देखो, ईच एंजाइम हैज अ सब्सट्रेट एस एंड बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। हमें पता है उसका एक सब्सट्रेट होगा और एक बाइंडिंग साइट होगी। जब वो सब्सट्रेट उसकी बाइंडिंग साइट के साथ ज्वाइन किया, जैसे ही वो सब्सट्रेट उसकी बाइंडिंग साइट के साथ ज्वाइन किया, तो वो ई एस बना। अब सब्सट्रेट की जगह क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि ई पी बन गया। फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, ई प्लस पी बना लेगा। सब्सट्रेट बाइंड हुआ, सब्सट्रेट बाइंड होने के बाद सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट अभी भी उसका चिपका हुआ है एंजाइम के साथ, फिर वो प्रोडक्ट हट जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट हट जाएगा, एंजाइम से दूर हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम ने उस प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया और साथ ही में फ्री एंजाइम भी रिलीज हो गया अगली बार किसी और के साथ बाइंड करने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच भी ऐसी एक चीज होती है, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, देखो पीएच का हो टेम्परेचर का हो, हर एक का ग्राफ सेम बनेगा। सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो, एक टाइम आएगा जब सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, एंजाइम का एक्शन उतना ही रहेगा ना, बिकॉज एंजाइम तो लिमिटेड एक्शन ही कर सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि सारे को। तो सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम स्पीड तो उसको वी मैक्स ही देगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है कि सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाओ, एक ऐसा टाइम आएगा या एक ऐसी जो है वेलोसिटी आएगी इस रिएक्शन की कि वो उतना ही वहीं पर रुक जाएगा, उसी वेलोसिटी पे वो चलेगा। टाइप्स ऑफ, अच्छा देखो, इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या है? वो इनहिबिटर वो है जो कि इसको एंजाइम इस के साथ चिपकेगा सब्सट्रेट के साथ, बट उसको और स्लो कर देगा या तो उस रिएक्शन को रोक देगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है वो देख सकते हो आप। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब जहां पे सब्सट्रेट के साथ एक इनहिबिटर भी है जो कि उसकी जगह कॉम्पीट कर रहा है, जो पहले चिपक गया वो अपना रिएक्शन करवाएगा। अगर इनहिबिटर चिपका है तो इनहिबिटर जो है रिएक्शन को शांत करवा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डी हाइड्रोजनेस बाय मेलानेट व्हिच क्लोजली रिसेंबल्स द सब्सट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो सक्सिनेट के तरह ही होना चाहिए स्ट्रक्चर में, ताकि वो एंजाइम को लॉक कर सके। की लॉक मैकेनिज्म यहाँ पे भी लगेगा। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ऑक्सी रिडक्टेस या डी हाइड्रोजनेसेस, ये वो हैं जो कि आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन में काम आएंगे। कैटलाइज ऑक्सीडो रिएक्शन बिटवीन टू सब्सट्रेट्स, तो एस रिड्यूस्ड, एस ऑक्सीडाइज, अब एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश रिड्यूस हो गया। ट्रांसफरेज, देन है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में क्या था, पहले एस डी था उसके साथ एस डैश आया, अब एस डैश के साथ आ गया एस, सॉरी एस डैश के साथ आ गया जी और एस अकेला हो गया। फिर हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज मतलब जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं वो हाइड्रोक्सीलेज हो गए। लाइजिस, लाइजिस है, लिपेसिस नहीं है, लाइजिस है। लाइजिस क्या कर रहे हैं? एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रेट बाय अ मैकेनिज्म ओवर दैट हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। तो इससे डबल बॉन्ड बनेगी, दो जगह से आपके पास जो कुछ चीजें हैं वो रिमूव हो जाएंगी लाइजेसिस की मदद से। आइसोमरेज, जो कि आइसोमर्स बनाएंगे। लाइगेसिस, लाइगेसिस, अब यहां पे देखो ये लाइसिस था और ये लाइगेसिस है, तो लाइगेसिस क्या करेंगे? जोड़ेंगे, किसी दो चीज को जोड़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कोफैक्टर, एंजाइम आर कंपाउंड, कोफैक्टर भी एंजाइम की तरह ही होते हैं। तो एक बार आप इसको रीड कर लोगे क्या, खुद से रीड कर लोगे क्या कोफैक्टर्स को? कोफैक्टर्स रीड कर लेना, ठीक है, कोफैक्टर्स आप रीड कर लेना और कोएंजाइम रीड कर लेना, जस्ट रीड देम फ्रॉम NCERT। विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं कुछ PYQs भी लेके आया हूँ, तो उन PYQs को हम करते हैं क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या कुछ। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन अ बीटा फॉर्म DNA इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? एक टर्न 3.4 नैनोमीटर होता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन, अरे विच मोनोसेक्राइड डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा मोनोसेक्राइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो कौन सा शो नहीं करेगा? ग्लिसरलडिहाइड, ग्लिसरलडिहाइड शो नहीं करते हैं, ग्लिसरलडिहाइड डू नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेक कर लेते हैं, तो देखो सेकंड का, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन क्यों दिया हुआ है इन्होंने, अरे सॉरी 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 सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ग्लिसरलडिहाइड तो कर देगा ना। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन भी है, डाइहाइड्रोक्सी है, देखो ये है, तो भाई ये
देखो ना, ये क्या आपके पास ये वो है, मतलब कायरल कार्बन है? अगर कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? नहीं करेगा। अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर, प्लांट को मैग्नीशियम, आंसर वन था ना, ठीक है। प्लांट को मैग्नीशियम किस कारण चाहिए? होल्डिंग सेल्स टुगेदर, नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं। सेल वॉल के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, मैग्नीशियम से क्लोरोफिल सिंथेसिस बन सकती है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। वैसे ऐसे क्वेश्चन जब नहीं पूछे जाते फालतू के। अगला देखो, अबाउट 98% ऑफ मास, ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन था ना इसका। हाँ, अबाउट 98% ऑफ मास इज जस्ट कंपोज बाय सिक्स एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड, बाकी वो कौन से हैं? ये आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना टेबल से, क्या आंसर है। थ्री आंसर है इसका, तो सल्फर एंड मैग्नीशियम। देन नॉट अ कंस्टिट्यूशन, सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं है? प्रोलीन नहीं होता, बाकी सब होता है। फिर एम्स 2010 का क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किस चीज का बना है? लैक्टोज में होता है आपके पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा गैलेक्टोज होता है, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, हाँ, सॉरी सॉरी, बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज, यानी थर्ड ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर तो हमने लिखा ही नहीं इसका, छठवां, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। सातवां, अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट वाला टेबल है ये, भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको भी आप टेबल से देख के कर सकते हो, ठीक है। क्या है इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, देखो यार इतना तो दिमाग लगाए थे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस, क्या देखो, पहला तो ये लेसिथिन है, पहला तो लेसिथिन है, ए इज लेसिथिन, जो कि कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, तो यही पूछा है। हाँ, ए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म सुक्रोज, सुक्रोज के लिए अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, नहीं ये तो गलत है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज लिख दिया, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो है वो पायरानोस होती है, हाँ तो सही है, ग्लूकोज इज पायरानोस, फ्रक्टोज इज फ्यूरानोस, तो फोर्थ ऑप्शन, फ्रक्टोज इज फ्यूरानोस रिंग ना, तो इसलिए। अरे इन्होंने सेकंड कैसे बता दिया, ग्लूकोज रिंग पायरानोस रिंग से थोड़ी सी बनती थी, ग्लूकोज सेकंड में उन्होंने बताया ग्लूको पायरानोस, पायरानोस रिंग कैसी थी? नहीं भाई ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, दोनों में सुक्रोज में उन्होंने तो गैलेक्टो, अरे दोनों में पायरानोज नहीं होता, दोनों आर नॉट पायरानोज, एक पायरानोज होती है, एक फ्रक्टो, एक फ्यूरानोज रिंग होती है, तो ये गलत है ऑप्शन, मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन है ना ये, तो नाइन्थ क्वेश्चन का मैं आंसर चेक करके बताता हूँ आपको, इसका आंसर उन्होंने टू दिया, बट इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ए टू बी रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड बताना है। देखो इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिडिक है, इसमें ओ एच ग्रुप लगा है तो ये हाइड्रोक्सिल है, सीरीन का एग्जाम्पल आपको इन्होंने दिखाया हुआ है, इसमें भी आपके पास इट इज, ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज उसी में है NH2, और ये चार कार्बन, चार पांच छह, छह कार्बन वाला लाइसीन है ये, लाइसीन, फोर्थ ऑप्शन। अगला चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना रफ आया है ये पेपर पेज, मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजिन, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या था? कोलेजिन था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या ऑर्डर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑप्शन, शायद शायद तुक्का मार रहा हूं मैं। हाँ देखो, मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा था? कैल्शियम था मेरे ख्याल, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए इसका, या फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट, तो इसका आंसर है पोटेशियम, टेबल बेस्ड याद करना पड़ेगा। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन, काइटिन क्या था? सिंपल पॉलीसेक्राइड था? नहीं, काइटिन सिंपल पॉलीसेक्राइड में नहीं था, नाइट्रोजन कंटेनिंग था, फॉस्फोरस कंटेनिंग था या सल्फर कंटेनिंग था? अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ, अब तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल एक बार देखो, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड आंसर है इसका, सेकंड इसका आंसर है, यानी कि इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे रिड्यूसिंग है,
काइटिनस एंडोमेम्ब्रेन एक्सोस्केलेटन सॉरी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज फॉर्मड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है, नैग एन एसिटाइल ग्लूकामाइन ग्लूकोसामाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 16th। तो 16th क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं तो 15th तक है। सिक्सटीन का आंसर है 4, तो इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 4। सही है ना, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज एट पीएच 7, पीएच 7 पे मतलब न्यूट्रल कंडीशन में वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बट ये किस में देखने को मिल सकता है, जो कि बेसिक होंगे या एसिडिक होंगे। देखो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड एसिडिक हैं, ग्लाइसिन ग्लाइसिन और एलेनिन ये होगा, बिकॉज ये न्यूट्रल मीडियम में क्या करेंगे अपना जो है, ग्लाइसिन और एलेनिन न्यूट्रल होते हैं ना, तो ये होगा आंसर। सेकंड ऑप्शन दिया इन्होंने तो आंसर 17th क्वेश्चन का सेकंड, लाइसिन और आर्जिनिन दिया हुआ इन्होंने, तो याद कर लो यार, ऐसे क्वेश्चन वैसे अब नहीं आते, सीरियसली बता रहा हूँ, पहले आते थे फालतू के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई, फंगाई में काइटिन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, अरे फर्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फैट मॉलिक्यूल किस चीज से बना है, 3 glycerol 1 fatty acid 1 glycerol 3 fatty acid, ये तो गलत है, 1 glycerol पे आप, अच्छा हाँ ठीक है ये हो सकता है, 3 glycerol पे 1 fatty acid गलत, 1 glycerol 1 fatty acid या glycerol विद 3, नहीं ये तो गलत है, या तो 1 glycerol 1 fatty acid होगा, ठीक है तो वही होगा मेरे ख्याल से, 1 glycerol and 1 fatty acid मॉलिक्यूल, बिकॉज टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मैंने मोनोग्लिसरल्डिहाइड उसके बारे में पूछ रही है, मोनोग्लिसरल्डिहाइड देखो सेकंड ऑप्शन, ठीक है अच्छा इन्होंने 3 fatty acid वाला बोल दिया, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल, अच्छा फैट, देखो फैट क्या था, ऑयल एंड फैट है ना, ये वो वाला केस आ गया ना, सॉरी वो तो ट्राइग्लिसराइड होते थे, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग 3D फोल्डिंग, 3D फोल्डिंग को कौन स्टेबल नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन एस्टर या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, तो इसका आना चाहिए सेकंड, सेकंड एस्टर लिंकेज क्यों दिया हुआ है, ये 20th क्वेश्चन ही है ना, अच्छा हाँ एस्टर लिंकेज तो इनमें होती नहीं है, एस्टर लिंकेज उनमें होती नहीं थी। नेक्स्ट देखो मैच द कॉलम है, वही जो आपको टेबल सा दिया हुआ था उसके बेसिस पे है, देखो इन्यूलिन इंसुलिन, अच्छा ये इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट रिसेप्टर कौन सा है, सेंसरी रिसेप्शन और ग्लूट 4 का, ये तो डी का जहां पे 2 है, एक ही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट भी आपका मैच द फॉलोइंग ही है, और ये आपके आया है जहां मैंने आपको टेबल लास्ट में करवाए थे वहां से, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड कौन सा है, नहीं पहले तो टॉक्सिन मैच कर लो, टॉक्सिन सी का 4 होगा, सी का 4 एक ही ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन में, अच्छा ठीक है, एल्केलॉइड कौन सा है इनमें से, मॉर्फिन और कोकेन, तो ए का 2 और सी का 4, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्लाइकोप्रोटीन 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 कंटेन्स मोर देन 200 अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज अ साइड चेन, मोर देन 20 अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज अ साइड चेन, मोर देन 200 एंड स्टेरॉइड्स एज साइड चेन, ग्लाइकोप्रोटीन है भाई, ठीक है तो एक शुगर होगा और प्रोटीन भी होगा साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन, बिकॉज अब आपको ये आंसर में नहीं दे रखा तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट आंसर आंसर हो 200 अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट एज साइड चेन, नॉट पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक नहीं है, लिपिड आर नॉट पॉलीमेरिक, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इनका असेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा तो पोटेशियम था, तो पोटेशियम से ज्यादा सोडियम होगा, तो सोडियम पोटेशियम, कोबाल्ट आयरन नहीं, आयरन कोबाल्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर बोलो यार पहले, तीसरा, तीसरा माने फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है चौथा क्वेश्चन, टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, शुगर में कौन से फंक्शनल ग्रुप थे, कीटोज था, कार्बोनाइल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी था और कार्बोनाइल में कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाला एजेंट आपसे पूछा है, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, ट्रिप्टोकाइनेज या लाइपेजेस। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा थर्ड, सेकंड, स्टैटिन्स। आप पढ़ोगे इसको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में भी दोबारा से। कंसिडर द फॉलोइंग एंजाइम, फॉलोइंग क्या ये स्टेटमेंट, कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोन एंजाइम। तो ठीक है ना, नहीं ये तो गलत है, ये सही है, तो ये सेकंड ऑप्शन लग रहा है, सेकंड है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। यार देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, आप मत करो, है ना, बट ग्लूट फोर का नाम आपको दिया हुआ जरूर, तो इसलिए आप इसको मान सकते हो कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक टेबल में दिया हुआ है क्या ग्लूट फोर के सामने की इंसुलिन डिपेंडेंट है। देखो कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना लिखा है एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो विद दिस हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, बड़ी डिटेल में हमने हर चीज को कवर करा है। होमवर्क क्या है, होमवर्क कुछ भी नहीं, रिवाइज करना। एंड थैंक यू टू ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, बिकॉज आप ही फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल। अच्छा कल हम क्या करेंगे, कल भी हम आएंगे 11 बजे आपसे मिलने, 11 बजे, और कल का चैप्टर आपको पता चल जाएगा। चैप्टर आपको अभी मैंने नहीं बता पाऊंगा, तो चैप्टर अभी के लिए तो आप होल्ड पर रखो, कल आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर मैं लेके आऊँगा। ठीक है, थंबनेल पे लग जाएगा ना चैप्टर। और एक और चीज़, आपका एक टेस्ट मैंने प्लान करा है, एक आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, तो एक टेस्ट हम करेंगे जो कि होगा OMR बेस्ड, और कब होगा, 14 अप्रैल को होगा। तो 14 अप्रैल को आप OMR बेस्ड टेस्ट देंगे, और मैं आपको OMR शीट भेजूंगा, उसी को आप प्रिंट आउट करवा के उस पर OMR फिल करके मेरे को उसकी फोटो क्लिक कर देना, मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। तो टेस्ट का सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो सिलेबस भी बता दूँ, चलो कल तक आपको ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सिलेबस वगैरह सब कुछ। तो विद दिस मेरे ख्याल से आपको ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कुछ अगर मैं आपको समझा पाया हूँ, कुछ हद तक भी समझा पाया हूँ, तो भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समझने का प्रयास किया। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।